हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अली मख्तर सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो आज हम लोग यूनिट 6 का पार्ट 2 करने वाले हैं। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून ऑल। वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं ये क्लियर कर दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आई एम गुड एंड यू? तैयारी आप लोग की सही चल रही ना अभी? क्योंकि अब एग्जाम आने में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की तरफ आप फोकस करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें, और मेरा रिफरल कोड यूज कर सकते हैं अलीम 10, जिनसे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। संडे वेबिनार का अनाउंसमेंट है 8 अक्टूबर, यानी कि कल जो है संडे है, और संडे को वेबिनार है 11 पर, पता है। सक्सेस की तैयारी फिलर फॉर्म के संग है जारी, और ये फिलर फॉर्म का जो वेबिनार है ये फ्री वेबिनार है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेगा, और अगर अभी कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए ऑफर है कि आपको फ्री पेपर 1 बुक मिलेगा। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है उनके लिए ये ऑफर है। नाइन पी एम पे है, 8 अक्टूबर को 9 PM पे है, और ये गूगल मीट पे हो। तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है वेलफेयरिज्म। वेलफेयरिज्म का क्या मतलब होता है? वेलफेयर मतलब किसी की हित के बारे में सोचना। A welfare state is a state that is committed to providing basic economic security for its citizens by protecting them from market risk associated with old age, unemployment, accident and sickness. एक welfare state जो होता है वो क्या काम करता है? Welfareism में हम लोगों को welfare state के बारे में बात करनी है। ठीक, तो एक welfare state जो होता है वो क्या करता है? वो अपने जो भी सिटीजन होते हैं उसको कुछ बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बेसिक सिक्योरिटी, बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, चाहे ताकि मतलब उसको मार्केट रिस्क से बचाया जा सके। मार्केट रिस्क क्या हो सकता है? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये सब चीज़ों की वजह से जो है क्या होगा, मार्केट रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस रिस्क से बचाने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है लोगों को। ठीक, तो इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, पेंशन के फॉर्म में, या कुछ वेलफेयर सर्विसेज के फॉर्म में, जैसे आपने देखा होगा राशन वगैरह बांटे जाते हैं, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं पर यूनिट बांटा जाता है। ये सब क्या है?
वेलफेयर के लिए काम करना होता है। ठीक, तो वेलफेयर स्टेट जो है हमेशा अपने सिटीजन को इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, अपने सिटीजन को इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और इस इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की उसमें या तो वो पेंशन देती हैं या कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं, कुछ फंड्स होते हैं। जैसे एक स्कीम है किसानों के लिए, जो स्कीम है साल भर में जो है 3 किस्त दी जाती है, क्या नाम है उस, किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि के नाम से 2,000 रुपये पर इंस्टॉलमेंट पे की जाती है किसानों के अकाउंट में। जिनके पास भी किसान की किसानी वाली ज़मीन है उनको 2,000 रुपये पर इंस्टॉलमेंट पे की जाती है। ठीक, और 3 इंस्टॉलमेंट जो है साल भर में दी जाती है, यानी कि 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है ताकि मार्केट में जो भी रिस्क है, जो भी महंगाई वगैरह हो रही है, उन सबसे उनको बचाया जा सके। ओल्ड एज पेंशन दी जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन दी जाती है, विडो के लिए पेंशन दी जाती है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उन औरतों को भी पेंशन दी जाती है। एक्सीडेंट हो गया तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्कीम्स हैं जो आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जैसे अभी रिसेंटली क्या है, जो स्कीम चल रही है आयुष्मान भारत के नाम से, जो आपको 5 लाख तक का जो है आपको मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करता है, सिकनेस इन सब चीज़ों को लेकर जो है, एक्सीडेंट सिकनेस ये सब चीज़ें जो है इसके बारे में गवर्नमेंट जो है आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। कल्याण वार, एक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकों को वृद्धावस्था, बेरोजगारी, दुर्घटनाओं और बीमारी से जुड़े बाजार जोखिमों से बचाकर बुनियादी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ठीक, तो जो भी कल्याणकारी राज्य होता है वो बुनियादी सर्विसेज, बुनियादी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ठीक, बुनियादी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होता है, यानी कि जो भी बाजार के जोखिम है, जैसे महंगाई वगैरह हो गई, ठीक, और बहुत ज़्यादा मतलब बेरोजगारी हो गई, तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ जो है वो बुनियादी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं सरकारें, जो कल्याणकारी राज्य की सरकारें होती हैं वो। ठीक, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन के मामले में हो, पेंशन के तौर पर हो, राशन के तौर पर हो, आयुष्मान भारत के तौर पर हो, किसान सम्मान निधि के तौर पर हो, ठीक, किसी भी तरीके से वो आपको एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है ताकि आपको बाजारों के जोखिम से बचाया जा सके। ठीक, दुर्घटना या बीमारी से रिलेटेड आयुष्मान योजना, आपने सुना होगा आयुष्मान कार्ड वगैरह बनते हैं, या बहुत सारी स्कीमें हैं ऐसी, ये कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, लेकिन वैसे तो बहुत सारी स्कीमें हैं। ठीक, या आपने देखा होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो चलती है वो, जिसमें आपको घर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो भी कल्याणकारी राज्य होते हैं वो करते हैं। इंडिया क्या है, एक कल्याणकारी राज्य भी है, एक वेलफेयर स्टेट भी है। द टर्म वेलफेयर स्टेट फर्स्ट इमर्ज्ड इन द यूके ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो पहला वेलफेयर स्टेट का जो टर्म यूज किया गया था वो कब यूज किया गया था, वो यूके में किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम। ठीक, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे यूके में पहली बार वेलफेयर स्टेट का टर्म जो है वो इमर्ज हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कल्याणकारी राज्य शब्द पहली बार यूके में उभरा। ठीक, तो पहली बार यूके में कल्याणकारी राज्य का जो शब्द था वो उभरा था। ठीक, और ये कब उभरा था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उभरा था। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उभरा था कल्याणकारी राज्य का जो शब्द है वो। ठीक, इट हैज सिंस बीन यूज्ड मच मोर ब्रॉडली to describe system of social welfare that have developed since the 19th century. So it has since been used. सबसे ये शब्द जो है, ये word use किया जा रहा है much more broadly to describe system of social welfare. Social welfare के system को describe करने के लिए welfare state का concept use किया जाता है तभी से। That have developed since the 19th century. जो मतलब 19th century से develop हुआ है सोशल वेलफेयर का जो सिस्टम है वो 19th सेंचुरी से डेवलप हुआ है, और तभी से जो है वेलफेयर स्टेट का शब्द जो है वो यूज़ किया जाए। इसके बाद से 19वीं शताब्दी के बाद से
विकसित सामाजिक कल्याण की प्रणालियों का वर्णन करने के लिए, सामाजिक कल्याण की जो प्रणाली है उसका वर्णन करने के लिए हम लोग जो है कार्यकारी कल्याणकारी जो है राज की बात करते हैं और उसका वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसका वर्णन करने के लिए इसका अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा है। मतलब कि कल्याणकारी राज का उपयोग जो है सामाजिक कल्याण की जो भी प्रणालियां हैं उसको बताने के लिए किया जाता है। ठीक, टाइपोलॉजी ऑफ द वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट की टाइपोलॉजी क्या है, यानी कि कितने टाइप्स के वेलफेयर स्टेट पाए जाते हैं। ठीक, कितने टाइप के वेलफेयर स्टेट पाए जाते हैं, कल्याणकारी राज के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एफसिन एंडरसन आइडेंटिफाइज थ्री बेसिक वेलफेयर स्टेट रीजन्स। एफसिन एस्पिंग एंडरसन जो है वो तीन तरह के वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। एस्पिंग एंडरसन जो है वो तीन तरह की वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। एस्पिंग एंडरसन तीन बुनियादी कल्याणकारी राज व्यवस्था की पहचान करते हैं। ठीक, तो एस्पिंग एंडरसन जो है वो तीन बुनियादी कल्याणकारी राज व्यवस्था की पहचान करते हैं। पहला कौन सा है, लिबरल वेलफेयर स्टेट, उदारवादी कल्याणकारी राज। ठीक, तो लिबरल वेलफेयर स्टेट क्या होता है, रिस्पॉन्ड टू मार्केट एंड लेबर फोर्स इंपरेटिव। ये क्या करता है, मार्केट और लेबर फोर्स इंपरेटिव का इसको रिस्पॉन्स करता है। ठीक, जो भी मार्केट में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको रिस्पॉन्स करता है, लेबर फोर्स इंपरेटिव को जो है वो रिस्पॉन्स करता है। दूसरा क्या है, उदारवादी कल्याणकारी राज क्या काम करता है, बाजार और श्रम बल की अनिवार्यताओं का जवाब देते हैं। ठीक, जो भी बाजार या श्रम बल की अनिवार्यताएँ जो होती हैं उसका जवाब देने के लिए जो ये क्या काम करता है, उदारवादी कल्याणकारी राज काम करता है। मेनी बेनिफिट्स, अब इसमें कौन कौन से बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं लिबरल वेलफेयर स्टेट में, बहुत सारे बेनिफिट इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे सच एज हेल्थ इंश्योरेंस, एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, पेंशन दी जाती हैं, तो इसमें ओल्ड एज पेंशन भी आ जाएंगी, या जो रिटायर्ड टीचरों के लिए जो पेंशन दी जाती थी, आर्मी के लिए जो पेंशन दी जाती है, बहुत सारे जॉब्स के लिए जो पेंशन दी जाती है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक, तो हेल्थ इंश्योरेंस पेंशन आर लिंक्ड विद अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, अगर जो है आर लिंक्ड विद एम्प्लॉयमेंट, या जो है ऐसी पेंशन जो एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई हो वो भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन जैसे कई लाभ रोजगार से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें रोजगार से जुड़ी होती हैं, मतलब अगर एक कोई रोजगार में कोई एम्प्लॉयड है तो उसको पेंशन भी दी जाएगी और उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। ठीक, तो ये आपके एम्प्लॉयमेंट से ही जुड़ा होता है, लिबरल स्टेट में ये काम होता है। ठीक, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन जैसे कई लाभ जो है वो रोजगार से जुड़े होते हैं। अगर आप रोजगार हैं तो जहाँ पे आप रोजगार हैं वहीं से आपको जो है स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा और पेंशन वगैरह भी वहाँ से मिलेगी, आपको रिटायरमेंट के बाद वहाँ से आपको पेंशन भी मिलेगी। तो ये लिबरल स्टेट ये सारे काम करता है कि आपको हेल्थ बेनिफिट और पेंशन वगैरह प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिव और कॉर्पोरेटिस्ट वेलफेयर स्टेट। कॉर्पोरेटिस्ट वेलफेयर स्टेट क्या होता है, rely on state provision of services। तो ये जो है state provision of services पे ही rely होता है, rather than on market or private provision। ये market और private provision पे जो है ये निर्भर नहीं होता है, बल्कि ये state provision of services पे निर्भर होता है। state कौन सी services provide कर रहा है उस पर निर्भर होता है, market से इनको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, रूढ़िवादी निगमवादी कल्याणकारी राज क्या होता है, रूढ़िवादी या निगमवादी कल्याणकारी राज क्या होता है, बाजार या निजी प्रावधान के बजाय सेवाओं के राज प्रावधान पर भरोसा करते हैं। ये जो है बाजार या निजी प्रावधान जो होता है उस पर निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि ये किस पे निर्भर होते हैं, ये सेवाओं के राज प्रावधान पर भरोसा करते हैं। ये जो है क्या करते हैं, सेवाओं के राज प्रावधान पर भरोसा करते हैं। मतलब जो भी राज सेवा
प्रदान करता है उस पे ये लोग भरोसा करते हैं, बाजार से इनको कोई मतलब नहीं होता। इसी को कहते हैं रूढ़िवादी और निगमवादी कल्याणकारी राज्य। और तीसरा एंड लास्ट राज कौन सा है? अच्छा, इसमें और भी डिटेल में देखते हैं क्या है। दिस स्टेट ऑफन मैनिफेस्ट नॉर्मेटिव आइडियल्स ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली। तो ये स्टेट क्या करते हैं? ऑफन मैनिफेस्ट नॉर्मेटिव आइडियल्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली कैरेक्टराइज बाय अ मेल ब्रेड विनर एंड अ वीमेन हु टेंड टू द फैमिली। ठीक, ये राज अक्सर एक एकल परिवार के मानक आदर्शों को प्रकट करते हैं। तो ये जो है हमेशा न्यूक्लियर फैमिली को बढ़ावा देते हैं। ये हमेशा न्यूक्लियर फैमिली को बढ़ावा देते हैं और ये इस बात को बढ़ावा देते हैं कि जो मेल मेंबर है वो ब्रेड विनर है, यानी कि वही पैसे कमा के लाएगा घर में, और जो विमेन है वो फैमिली को पालेगी पोसेगी, मतलब उनका देखभाल करेगी, फैमिली मतलब हाउस के अंदर ही ये काम करेगी। ठीक, तो इस तरह से ये बढ़ावा देते हैं इस चीज को, न्यूक्लियर फैमिली को बढ़ावा देते हैं और ये मानते हैं, इस चीज को बढ़ावा देते हैं कि मेल जो है वही ब्रेड विनर होगा, यानी वही कमा के लाएगा और जो औरतें होंगी वो घरों में काम करेंगी। ये रूढ़िवादी यानी कि कॉर्पोरेटिस्ट स्टेट की या कंजर्वेटिव स्टेट की जो है पॉलिसी होती है। ये राज अक्सर एक एकल परिवार के मानक आदर्शों को प्रकट करते हैं। तो ये राज क्या करते हैं? अक्सर एकल परिवार के मानक आदर्शों को प्रकट करते हैं जिसमें एक पुरुष ब्रेड विनर है। ब्रेड विनर मतलब ये कमाने वाला है, जिसमें एक पुरुष क्या होता है वो कमाने वाला होता है और एक महिला जो होती है वो परिवार की ओर रुख करती है। परिवार की ओर रुख करना मतलब परिवार की देखरेख करती है। ठीक, तो ये कंजर्वेटिव रूढ़िवादी किसको कहते हैं? जो पुराने आइडियाज को ट्रेडिशनल चीजों को बचा के रखते हैं। ठीक, तो ये पुरानी आइडियाज है। आज के जमाने में तो लोग ये नहीं सोचते कि फैमिली में जो विमेन होगी वो फैमिली की देखरेख करेगी, ऐसा तो आज के जमाने में नहीं सोचा जाता, तो इसीलिए कंजर्वेटिव कहा जाता है। कंजर्वेटिव मतलब ही है कि आप पुराने आइडियाज या जो ट्रेडिशनल आइडियाज हैं उनको बचा के रखें। तो ये उसी चीज पे फोकस करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली को बढ़ावा देते हैं और ये कहते हैं कि जो मेन है वो क्या है, वो ब्रेड विनर है और जो विमेन है वो फैमिली की देखरेख करें। ठीक, तो ये कंजर्वेटिव वेलफेयर स्टेट की बात है। सोशल डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट का क्या काम करता है? सोशल डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट क्या काम करता है? सामाजिक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज क्या काम करता है? इट्स प्रमोट अ विजन ऑफ द स्टेट एज द गारंटर ऑफ सोशल राइट्स। ये जो है स्टेट के विजन को इस तरह प्रमोट करते हैं कि वो जो है सोशल राइट का गारंटर, मतलब कि वो गारंटी प्रोवाइड किया करता है कि हर किसी का सोशल राइट का प्रोटेक्शन किया जाएगा, हर किसी के सोशल राइट का प्रोटेक्शन किया जाएगा, इस चीज की ये गारंटी प्रोवाइड करता है। सोशल डेमोक्रेटिक वेस्टर्न वेलफेयर स्टेट जो है इस चीज़ को प्रमोट करता है कि हर किसी की जो सोशल राइट होती है उसकी गारंटी किसकी हो रही है? उसकी गारंटी स्टेट की हो रही है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, सामाजिक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज क्या होता है? सामाजिक अधिकारों के गारंटर के रूप में राज की दृष्टि को बढ़ावा देते हैं। तो ये राज जो है इस चीज़ की गारंटी लेते हैं, इस चीज़ की मतलब गारंटी लेते हैं कि समाज जिस किसी का भी जो सामाजिक अधिकार है उसकी रक्षा करना किसका काम है? वो स्टेट का काम है। ठीक, तो आपके जो भी सामाजिक अधिकार है उसकी रक्षा करना स्टेट का काम है। तो एक तरह से ये वेलफेयर का काम कर रहे हैं। ठीक, इसीलिए इसको सोशल डेमोक्रेटिक कहा गया, लोकतांत्रिक कहा गया, सामाजिक लोकतांत्रिक कल्याणकारी। ठीक, तो लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक है तो इसमें कुछ सोशल राइट्स होंगे लोगों के, उस सोशल राइट के प्रोटेक्शन के लिए, उस सामाजिक अधिकार के प्रोटेक्शन के लिए कौन काम करेगा? राज काम करेगा। ठीक, उस सामाजिक राइट के प्रोटेक्शन के लिए राज काम करेगा। दीज स्टेट प्रमोट इक्वालिटी ऑफ बेनिफिट एट हाई लेवल एज अ वे ऑफ मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ सोशल क्लास एंड इनकम। ठीक, तो ये स्टेट क्या करते हैं? इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं। प्रमोट इक्वलिटी ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट की इक्वलिटी को ये प्रमोट करते हैं हाई लेवल। हाई लेवल पे जो है जो भी बेनिफिट है उसके उसमें जो है ये लोग इक्वलिटी प्रमोट करते हैं, मतलब ये इक्वलिटी का क्या बेनिफिट है इस आइडिया को ये लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं, हाई लेवल पे प्रमोट करते हैं एज अ वे ऑफ मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ सोशल क्लास एंड इनकम। क्योंकि ये चाहते हैं कि जो सोशल क्लास या इनकम क्लास बनी हुई है
ठीक, या इनकम में जो इनइक्वलिटीज हैं उसको मिनिमाइज किया जाए, जो सोशल क्लासेस में इनइक्वलिटीज हैं या इनकम में जो इनइक्वलिटीज हैं उसको मिनिमाइज किया जाए, कैसे? इक्वलिटी को प्रमोट कर, इक्वलिटी को प्रमोट करके इनइक्वलिटी को मिनिमाइज किया जाए, इस चीज पे ये काम करते हैं। ये राज सामाजिक वर्ग और आय के प्रभावों को कम करने के तरीके के रूप में उच्च स्तर पर लाभ की समानता को बढ़ावा दे। तो ये राज क्या करते हैं, सामाजिक वर्ग और आय के प्रभावों को, तो सामाजिक वर्ग और जो भी आय के प्रभाव होते हैं उसको कम करने के तरीके के रूप में उच्च स्तर पर लाभ की समानता को बढ़ावा देते हैं। ठीक, तो लाभ की समानता को बढ़ावा देना यानी कि समानता के क्या लाभ है उसको बढ़ावा देना, ये कोशिश करते हैं कि जो भी असमानताएं हैं समाज में उसको खत्म किया जाए, चाहे वो सामाजिक वर्ग के बेस पे असमानताएं हो या आय के बेस पे असमानताएं हो, उस असमानताओं को खत्म किया जाए। ठीक, उस असमानताओं को खत्म किया जाए और राज्य में जो है वो समानता लाई जाए, समानता को ये लोग ज्यादातर बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ तक हम लोग वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को कर चुके हैं, जिसमें तीन टाइप के वेलफेयर स्टेट आते हैं। पहला है, और ये तीन टाइप के वेलफेयर स्टेट की बात किसने की थी, एस्पिन एंडरसन ने की थी। ठीक, पहला आता है लिबरल वेलफेयर स्टेट, उदारवादी कल्याणकारी राज्य। दूसरा आता है कंजर्वेटिव कारपोरेटिस्ट वेलफेयर स्टेट, रूढ़िवादी निगमवादी कल्याणकारी राज्य। और तीसरा आता है सोशल डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट, सामाजिक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज आता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एलपीजी। ठीक, एलपीजी आपके घरेलू सिलेंडर के बारे में बात नहीं की जा रही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में बात नहीं की जा रही है, बल्कि ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये इंडिया ने अप्लाई किया था अपनी कंट्रीज में एज अ पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तौर पे। क्यों किया था? ताकि मतलब जो भी इंडिया की जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसमें सुधार लाया जाए। तो ये एलपीजी से आप जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मत चलिए समझिएगा, जो आपके घरों में इस्तेमाल होता है। तो एलपीजी स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक, एल से क्या होता है, लिबरलाइजेशन, ई से प्राइवेटाइजेशन एंड जी से ग्लोबलाइजेशन। ठीक, एलपीजी का मतलब है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये याद रखिएगा आप कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इंडिया अंडर इट्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अप्रोच, इंटरनेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इंडिया ने इसको जो है अप्लाई किया था एलपीजी को अपना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तौर पे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अप्रोच के तौर पे इन्होंने एलपीजी को अपनाया था। 1990 में लगभग इसको अपनाया गया था, क्योंकि उस वक्त जो है इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी, देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी। तो उस वक्त इस कॉन्सेप्ट को, इस टर्म्स, इस अप्रोच को अपनाया गया था, ताकि मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें सुधार लाया जा सके, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अप्रोच के तौर पे ये किया गया। एलपीजी का मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है। भारत ने अपनी नई आर्थिक नीति के तहत देश के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से संपर्क किया। तो इन्होंने क्या किया था, इस चीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से संपर्क किया था। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जो इंटरनेशनल बैंक है उनसे इन्होंने उनसे इन्होंने संपर्क किया था, और उन्होंने जो है इस कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया कि आप जो है एलपीजी लागू करिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लागू करिए। तो सबसे पहला आता है लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। लिबरलाइजेशन में क्या है, द बेसिक एम ऑफ लिबरलाइजेशन वाज टू पुट एन एंड टू दोज रिस्ट्रिक्शन व्हिच बिकेम हिंड्रेंसेस इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द नेशन। ठीक, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, हर गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ऐसे ही आप जो है कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे कि बाहर की कंपनियां जो आ रही हैं उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन रखे गए थे कि आपको कितना टैक्स देना होगा और आप किस तरह से, मतलब जैसे पहले क्या था, आप एक पॉलिसी आपने नाम सुना होगा,
अगर बाहर की कोई कंपनियां आ रही हैं तो उनको यहाँ की जो लोकल कंपनी है उससे मर्ज होकर जो है अपने आप को चलाना होगा। वो बाहर की कंपनी अगर आती है तो अकेले वो नहीं चला सकती, यहाँ की किसी की कंपनी के साथ मर्ज होकर उनको चलाना पड़ेगा। अकेले कोई कंपनी वो नहीं चला सकते अगर कोई बाहर की कंपनी है तो। जैसे आप आपके पास बेस्ट एग्जांपल है हीरो होंडा का, हीरो और होंडा दोनों अलग अलग कंपनी है ठीक, लेकिन चूंकि बाद में जब होंडा बाहर से आई ठीक, जब ये बाहर से आई तो इसको मर्ज होकर, क्योंकि इंडिया की ये पॉलिसी थी कि उसको मर्ज होकर ही चलाना पड़ेगा, तो उसने हीरो के साथ मर्ज किया और एक नई कंपनी बनी हीरो होंडा के। अभी फिलहाल दोनों अलग हो चुके हैं क्योंकि अब पॉलिसी चेंज हो चुकी है, ये सारे हिंड्रेंस अब खत्म कर दिए गए हैं ठीक। तो ऐसी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी के तौर पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। आप क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें कितना परसेंट आपको टैक्स देना पड़ेगा, कितना परसेंट आपको राज्य को टैक्स देना पड़ेगा, कितना परसेंट जो है सेंटर को टैक्स देना पड़ेगा, सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। तो लिबरलाइजेशन का मेन एम था कि ये सारे जो रिस्ट्रिक्शन हैं जिसकी वजह से कंट्री के जो ग्रोथ है, जो नेशन का ग्रोथ है वो रुक रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे, ग्रोथ मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है ठीक। तो वो सारे रिस्ट्रिक्शन जो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ में और रुकावट बनते हैं, वो सारे हिंड्रेंसेस को, उन सारे रिस्ट्रिक्शन को खत्म किया जाए। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण का मूल उद्देश्य उन प्रतिबंधों को समाप्त करना था जो राष्ट्र के विकास और वृद्धि में बाधक बने ठीक। तो उदारीकरण का क्या मतलब है? उदारीकरण मतलब कि आप जो है वो सारे जो भी बंधन है, जो भी मतलब प्रतिबंध है, उन सारे प्रतिबंधों को खत्म कर दिया जाए जो राष्ट्र के विकास है। राष्ट्र के विकास मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से विकास नहीं बल्कि आर्थिक विकास की बात हो रही है ठीक। तो आर्थिक, राष्ट्र के आर्थिक विकास की वृद्धि में जो भी बाधक बन रहे हैं ऐसे प्रतिबंधों को खत्म कर दिया जाए, इसी को उदारीकरण कहा जाता है ठीक। ऐसे प्रतिबंधों को खत्म करना ही इसी को उदारीकरण कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि एक रिस्ट्रिक्शन मैंने बताया था जो एक बाधक, अभी बताया मैंने कि हीरो होंडा का जो बेस्ट एग्जांपल है कि मर्ज करके आपको चलाना होता है कंपनी, अगर कोई पहले बाहर की कंपनी कोई भी आती थी तो उसको मर्ज करके चलाना पड़ता था अभी देखिए बीच में रिसेंटली आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि कुछ कंपनियां जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है उनके लिए मतलब भारत जो इंडिया गवर्नमेंट है, भारत गवर्नमेंट भी इंडिया गवर्नमेंट जो है वो दोनों है, भारत है और इंडिया दोनों है। दोनों गवर्नमेंट ने क्या किया है, मतलब जो भी है इंडिया या भारत जो भी कह लें आप, बहुत मतलब अब एक इशू चल रहा है कि इंडिया होगा या भारत होगा ठीक। तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कि मतलब इंडिया कहें या भारत कहें। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है अभी फिलहाल जो टेक्नोलॉजिकल कंपनियां हैं उनसे इन्होंने कहा है कि आप जो है भारत में ही प्रोडक्शन करिए ठीक। अगर आप भारत में प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे मतलब थोड़ा सा उनके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है कि आप जो है पूरी तरीके से अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बेच सकते हैं, अगर आप जो है यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट आप नहीं करेंगे तो ठीक। तो ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन पहले भी लगते थे ठीक, बाद में लिबरलाइजेशन के टाइम पे इनको खत्म कर दिया गया क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा था ठीक। और इंडिया जो है वो आर्थिक तौर पे, भारत जो है वो आर्थिक तौर पे बहुत ही कमजोर हो चुका था, उसी को बढ़ावा देने के लिए उदारीकरण किया गया। द लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल इन अ कंट्री एंड व्हेन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज स्टार्ट वर्किंग विदाउट और विद फेवर रिस्ट्रिक्शन, किसी देश में सरकारी नियंत्रण का ढीला होना। तो लिबरलाइजेशन मतलब कि जो भी कंट्रोल है, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो खत्म होना, वो धीरे धीरे कम होना ठीक। एंड व्हेन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज स्टार्ट वर्किंग विदाउट और विद फेवर रिस्ट्रिक्शन, और जब जो है प्राइवेट कंपनीज जो है, प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन से के या बहुत कम रिस्ट्रिक्शन के काम करना शुरू करती हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को लिबरलाइजेशन कहा जाता है। जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो जाए ठीक, बहुत खत्म होने का मतलब बहुत कम हो जाए ठीक, ऐसा नहीं है कि कभी भी गवर्नमेंट का पूरी तरीके से कंट्रोल खत्म हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है।
कंट्रोल खत्म होना मतलब कि थोड़ा सा कम होना। तो जब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इस तरह से काम करने लगें कि उनके पास उनको जो है उनके लिए रिस्ट्रिक्शन बहुत कम हो जाए, तो इसी को लिबरलाइजेशन कहा जाता है। किसी देश में सरकारी नियंत्रण का ढीला होना, अगर सरकार का जो नियंत्रण है वो ढीला हो जाए, मतलब सरकार जो है अब बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रण नहीं कर रही, बहुत मतलब अच्छी तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं कर रही, बल्कि एक थोड़ा सा उनको अनुमति दे रही है कि आप थोड़ा सा मतलब उनका जो नियंत्रण है वो ढीला हो जाएगा और आप फ्री होकर काम कर सकते हैं, ठीक। और जब निजी क्षेत्र की कंपनियां बिना या कम प्रतिबंधों के साथ काम करना शुरू कर देती हैं, जो निजी क्षेत्र की जो भी कंपनियां हैं उनको उनके पास उनको जो है उनके ऊपर कोई भी प्रतिबंध ना लगाया जाता हो या बहुत कम प्रतिबंध हो और उसी तौर पे वो काम करने लगे, तो इसी को उदारीकरण कहा जाता है। गवर्नमेंट अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स टू एक्सपेंड फॉर द ग्रोथ ऑफ कंट्रीज डेपिक्स लिबरलाइजेशन इन कंट्रीज, ठीक। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट प्लेयर को यानी कि प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसको अलाउ करती है कि वो अपने ग्रोथ को एक्सपेंड कर सके, मतलब अपने ग्रोथ को बढ़ा सके, ठीक। मतलब जितना भी वो कंपनी खोलना चाहे, जितना भी अपने ट्रेड को बढ़ाना चाहे, अपनी कंपनी को जितना बढ़ाना चाहे वो बढ़ा सकती है। ऑफ द कंट्री डिपेंड्स लिबरलाइजेशन इन अ कंट्री, तो अगर कोई कंट्री ऐसा करती है तो यानी कि वो कंट्री जो है अपनी कंट्री में जो है लिबरलाइजेशन लागू कर रही है, ठीक। सरकारी निजी खिलाड़ियों को देश के, निजी खिलाड़ियां मतलब कि सरकार जो निजी सेक्टर के लोग, ठीक, जो निजी सेक्टर के लोग हैं वो अगर सरकार जो है ये कहे कि वो जो निजी सेक्टर के लोग हैं वो अपना अपना विस्तार कर सकते हैं, देश में अपना विस्तार कर सकते हैं यानी कि अपना अपनी चीज़ों को अपने कंपनी को फैला सकते हैं, उसकी अनुमति देने लगे, तो ये किसी देश में उदारीकरण को दर्शाता है। तो ये क्या है, किसी देश में उदारीकरण को दर्शाता है यानी कि उस देश में उदारीकरण को अपना लिया। वन मिनट ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी। अब कोई कंट्री ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी क्यों अपनाती है, तो कोई कंट्री लिबरलाइजेशन पॉलिसी या उदारीकरण की नीति क्यों अपनाती है, कुछ उनका फायदा होता होगा तभी वो अपनाएंगी। जैसे हमने कहा कि कुछ कंट्रीज जो अपनी इकोनॉमिक जो भी इकोनॉमिक कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहती हैं, इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाना चाहती हैं, तो वो लिबरलाइजेशन यानी कि LPG को लागू करती हैं, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लॉन्ग करती है, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन क्या है, उदारीकरण नीति के उद्देश्य क्या है, तो इंक्रीज कंपटीशन एमंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक। तो जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनमें कंपटीशन को बढ़ाना, तो इंक्रीज कंपटीशन एमंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। उदारीकरण नीति के उद्देश्य, घरेलू उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, घरेलू उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, ये सबसे पहले पहला ऑब्जेक्टिव होता है लिबरलाइजेशन का, टू इंक्रीज कंपटीशन एमंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं यानी कि जो विद इन कंट्री डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, मतलब अगर इंडिया की बात की जाए तो
जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनमें कंपटीशन को बढ़ाना, ठीक, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी वो बढ़े, ठीक। घरेलू उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, मतलब इनके बीच में कंपटीशन को बढ़ाना, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी हो, ठीक। ये पहला ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आप जब रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो लोग अपना प्रोडक्शन भी कम करते हैं, कि इतना कंपटीशन भी नहीं होता है, लोग आते भी नहीं उस कंपनी में, कि इतने रिस्ट्रिक्शन उस फील्ड में लोग आते भी नहीं, ठीक, इतने रिस्ट्रिक्शन के साथ कौन जाएगा। तो इसीलिए लिबरलाइजेशन किया जाता है ताकि कंपटीशन को बढ़ाया जाए, उत्पाद उससे बढ़े, ठीक, और उसके बाद आर्थिक स्थिति अच्छी हो। टू इंकरेज फॉरेन ट्रेड विद अदर कंट्रीज विद रेगुलेटेड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो ताकि जो है फॉरेन ट्रेड को इंक्रेज किया जाए, ठीक है, फॉरेन ट्रेड को इंक्रेज किया जाए दूसरी कंट्रीज के साथ, ठीक, लेकिन इसके साथ रेगुलेटेड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एक रेगुलेशन होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, एक रेगुलेटेड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, ठीक, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, बस थोड़ा सा रेगुलेशन होगा कि कहीं ऐसी चीज़ें तो नहीं मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जा रही है जो इलीगल हो, ठीक। तो थोड़ा सा रेगुलेशन होना भी जरूरी होता है, पूरी तरीके से छूट देना भी अच्छा नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो इंकरेज फॉरेन ट्रेड विद अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के साथ फॉरेन ट्रेड को इंकरेज करना विद रेगुलेटेड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, लेकिन रेगुलेटेड इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ, ठीक, विनियमित आयात और निर्यात वाले अन्य देशों के साथ विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना। तो जो भी विनियमित आयात हैं, विनियमित आयात और निर्यात, यानी कि एक नियमित आयात और निर्यात होना चाहिए, ठीक, जिसमें नियम हो, ठीक, नियंत्रण किया जा सकता हो उसको, ठीक। तो ऐसे आयात और निर्यात को दूसरे देशों के साथ विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना, यानी कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक, विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देना, उनको बुलाना, ठीक, ये सारी चीज़ें जो है इस चीज को बढ़ावा देना, ये किसका ऑब्जेक्टिव है, ये किसका उद्देश्य था, उदारीकरण का उद्देश्य, ठीक। एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को इनहेंस करना, मतलब उसको बढ़ावा देना, ठीक, जो भी फॉरेन कैपिटल है या फॉरेन टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देना अपनी कंट्रीज में, ठीक। तो ये भी लिबरलाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक। विदेशी पूंजी एवं प्रौद्योगिकी का संवर्धन करना, ठीक, मतलब उसको बढ़ावा देना, ठीक, उसको बढ़ाना, विदेशी पूंजी एवं प्रौद्योगिकी है, यानी कि विदेशी पूंजी या विदेशी जो प्रौद्योगिकी है उनको बढ़ावा देना, ठीक। तो ये भी उदारीकरण का एक उद्देश्य था। टू एक्सपेंड ग्लोबल मार्केट फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री, ठीक, जो कंट्री में ग्लोबल मार्केट है उसको एक्सपेंड करना, उसको एक्सपेंड करना मतलब उसको बढ़ाना, ठीक, ग्लोबल मार्केट को बढ़ाना, क्योंकि ग्लोबल मार्केट को अगर आप कंट्रोल करके रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, अगर आप लिबरल कर देते हैं, उसको छूट दे देते हैं, तो वो फिर एक्सपेंड होना शुरू होता है, ठीक। तो ये भी एक क्या था, ऑब्जेक्टिव था, देश की वैश्विक बाजार सीमाओं का विस्तार करना, तो वैश्विक बाजार की जो सीमाएँ हैं उसको बढ़ाना, ठीक, जब आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाते हैं, तो उसकी सीमाएँ बहुत सीमित तरीके से रह जाती हैं, सीमित तौर पे रह जाती हैं, लेकिन जब आप जो है उनका उदारीकरण कर देते हैं तो वो सीमाएं अपने आप बढ़ने लगती हैं, ठीक। तो इसीलिए ये भी एक उद्देश्य था कि देश की जो वैश्विक बाजार सीमाएं हैं उसका विस्तार करना। तो डिमिनिश द डेब्ट बर्डन ऑफ द कंट्री, ताकि जो कंट्री पे जो भी डेब्ट बर्डन है, यानी कि जो कर्ज का भार है, उसको खत्म करना, ठीक, उसको कम करना। टू डिमिनिश द डेब्ट बर्डन ऑफ द कंट्री, ताकि अगर आप लिबरलाइजेशन करेंगे तो आपकी कंट्री में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, फॉरेन कैपिटल आएगा आपकी कंट्री में, फॉरेन टेक्नोलॉजी आपकी कंट्री में आएगी, जिससे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक, टैक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक। तो जो भी कंट्री का बर्डन है, जो भी डेट का बर्डन है, उसको आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं, ठीक, देश पर से कर्ज का बोझ कम करना। तो ये भी उदारीकरण का एक उद्देश्य था कि देश पे जो भी कर्ज का बर्डन है उसको कम करना, देश पे जो भी कर्ज का बोझ है उसको कम करना, क्योंकि आप जब उत्पादन को बढ़ावा देंगे, उदारीकरण कर देंगे, जिसकी वजह से बाहर की कंपनियां भी आकर यहाँ पे काम करने लगेंगी, बाहर की जो
प्रौद्योगिकी है वो सब यहाँ पे आके काम करेगी, बाहर की पूंजी जो है वो आके यहाँ पे काम करने लगेंगी, तो धीरे धीरे जो है कंट्री की जो इनकम है वो बढ़ेगी। तो इसी वजह से जो है कंट्री जो है अपने कर्ज को भी, कर्ज का जो बोझ है उसको धीरे धीरे कम कर सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण का। प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, इट इज द इंक्रीमेंट ऑफ द डोमिनेटिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एंड द रिड्यूस्ड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो दो सेक्टर की कंपनियां होती हैं, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती हैं और एक पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं। जैसे अगर आप आपने नाम सुना होगा BSNL का, BSNL क्या है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक। और जो बाकी जियो है, एयरटेल है, ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जब आप जो है जो भी डोमिनेटिंग रोल है वो प्राइवेट सेक्टर के डोमिनेटिंग रोल को बढ़ाते हैं और पब्लिक सेक्टर के डोमिनेटिंग रोल को घटाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है, ठीक। जैसे अभी क्या हो रहा है, सारी चीज़ें प्राइवेटाइज की जा रही है कंट्री में, अभी क्या हो रहा है, 2010 के बाद सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जैसे रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बहुत सारी रेलवे अब चल रही है जो प्राइवेटाइज हैं, ठीक। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है, मुझे नाम नहीं आ रहा है, रेलवे में एक रेल चलती है जो प्राइवेट पूरी तरीके से वो प्राइवेटाइज है, ठीक। IRCT की ही कंपनी चलाती है उसको। अब देखते हैं, मतलब उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझको, आपको याद हो तो बताइए क्या कौन सी ट्रेन है जो प्राइवेट ट्रेन है। प्राइवेटाइजेशन मतलब ही यही होता है कि आप अगर पब्लिक सेक्टर की जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्शन है, उसके डोमिनेटेड रोल को कम करना और जो प्राइवेट जो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उसको बढ़ावा देना। जैसे अभी क्या हो रहा है कि जो एयरपोर्ट हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ठीक। अब एजुकेशन में जो है जो प्राइवेट सेक्टर है उसका डोमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप देखेंगे जो प्राइवेट सेक्टर है उसका एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डोमिनेशन होता है, ठीक। आप अब लोग जो है सरकारी स्कूल में पढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक। जो भी जिसकी भी थोड़ा सा कंडीशन अच्छी होती है वो सरकारी स्कूल सबसे पहले छोड़ता है। तो ये क्या है, एक तरह से आप जो है पब्लिक सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं उसके डोमिनेटिंग रोल को कम कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसके डोमिनेटिंग रोल को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक। इसी को कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण इसी को कहा जाता है, ठीक। ये निजी क्षेत्र की कंपनियों की प्रमुख भूमिका में वृद्धि और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की कम भूमिका, ठीक। तो ये क्या कहते हैं, निजीकरण का क्या मतलब है, जब आप जो है सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उसकी भूमिका को कम करके जो भी निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं उसकी भूमिका को बढ़ाते हैं, ठीक। तो इसी को कहा जाता है निजीकरण, ठीक। जैसे रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, बस वगैरह का निजीकरण किया जा रहा है, ठीक। इवन अभी जो है इलेक्ट्रिसिटी का निजीकरण किया जा रहा है, एयरपोर्ट वगैरह का निजीकरण किया जा रहा है, एजुकेशन यानी कि शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। शिक्षा का निजीकरण जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि शिक्षा अब जो है इतना डोमिनेटिंग हो गया है, शिक्षा का निजीकरण इतना मतलब ये बढ़ चुका है कि अब लोग जो है सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत हो चुकी है कि लोग अब सरकारी स्कूलों में जाना ही नहीं पसंद करते हैं। जिनकी भी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी भी अच्छी होती है वो तुरंत निजी जो कंपनियों के जो स्कूल हैं वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। In other words, it is the reduction of ownership of the management of a government-owned enterprise. ठीक। तो जो भी गवर्नमेंट के जरिए ownership है जिस सेक्टर पे, हाँ है तो बहुत लोग लेकिन अटेंड कम करते हैं। अब पता नहीं क्या है, टाइमिंग का इशू है कि क्या है, हालांकि सब उनको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपको टाइमिंग का भी इशू है तो आप जो है ऐप पे बता सकते हैं, ऐप पे चैट सेक्शन होता है वहां पे बता सकते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, तो सबको लगता है कि कभी भी देखा जा सकता है, हालांकि लाइव क्लासेस और
और रिकॉर्डेड क्लासेस में बहुत फर्क होता है। हाँ, शुरू से ही कम होते हैं। और रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस में बहुत फर्क होता है। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको जो नहीं समझ में आप नहीं पूछ सकते, लेकिन लाइव क्लासेस में तो आप तुरंत पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, उसको रिपीट हो सकता है। बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज द रिडक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन इंटरप्राइजेस। ठीक, एक तो अगर आप पब्लिक सेक्टर का जो डोमिनेशन है उसको कम कर दें, दूसरे वर्ड में अगर आप बात करें कि जो भी गवर्नमेंट ओन इंटरप्राइजेस हैं उनकी ओनरशिप कम करना। ठीक, उनकी ओनरशिप कम करना। जैसे अभी जो है क्या हो रहा है, पूरी तरीके से 100% जो है शेयर नहीं बेचा जाता, उसके कुछ परसेंट शेयर बेचे जाते हैं। जैसे LIC के कुछ परसेंट शेयर को बेच दिया गया। ठीक, उसके बाद जो है बहुत सारी कंपनियों के ऐसे शेयर को कुछ बेचा जाता है, थोड़ा बहुत एक परसेंटेज के हिसाब से बेचा जाता है। तो ये क्या, एक तरह से आप ओनरशिप को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक, जो भी गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेस है उनकी ओनरशिप को कम कर रहे हैं। ठीक, चाहे वो कुछ परसेंट को बेच कर शेयर, कुछ परसेंट जो भी शेयर है उसको बेच कर, जैसे 100% शेयर है तो उसमें आपने क्या किया, 10% जो है प्राइवेटाइज कर दिया। तो ऐसे ही मतलब अब 10% जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, 90% गवर्नमेंट को जाएगा, 10% जिसने वो शेयर खरीदा होगा उसको जाएगा। तो इसी तरह से जो है प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, दोनों तरीके से, या तो आप डोमिनेशन को कम कर दें या शेयर को रिड्यूस करें। ठीक, दूसरे शब्दों में ये सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम के प्रबंधों के स्वामित्व में कम। ठीक, तो जो भी सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम है, यानी कि जो भी इंटरप्राइजेस हैं, सरकारी गवर्नमेंट ओन इंटरप्राइजेज हैं, उनकी जो ओनरशिप है, जो उसमें जो स्वामित्व है उसमें कमी लाना। ठीक, उसमें कमी लाना, उसके प्रबंधन में जो भी स्वामित्व है उसमें कमी लाना, इसको भी क्या कहेंगे, निजीकरण कहा जाता है। ठीक, गवर्नमेंट कंपनीज कैन कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इनटू टू वेज। तो गवर्नमेंट कंपनीज को कैसे प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट किया जाता है, इसके दो तरीके हैं। इसके दो तरीके, गवर्नमेंट कंपनीज कैन कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इनटू टू वेज, मतलब दो तरीके हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट किया जाए। पहला क्या है, बाय डिस इन्वेस्टमेंट, मतलब अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम करना, उसको घटाना। ठीक, डिस इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाए। जैसे एजुकेशन सेक्टर में यही हुआ, एजुकेशन सेक्टर में ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया गया और प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर दिया। ठीक, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा हावी हो गया एजुकेशन में। ठीक, बाई विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंटल ओनरशिप, अगर कोई गवर्नमेंटल ओनरशिप है वहाँ से विड्रॉ कर लेना। ठीक, अपनी ओनरशिप को ही विड्रॉ कर लेना। जैसे जिस एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है वहाँ से अपनी ओनरशिप को ख़त्म कर दिया जाता है। एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, और जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उसको विड्रॉ कर ले। ठीक, ऐसी जो पब्लिक सेक्टर वाली कंपनीज हैं उसको बेच दिया जाता है। तो बेचना मतलब क्या है, अपनी ओनरशिप को ख़त्म करना होता है। ठीक, तो दो तरीके हैं, एक तो आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। एक तो अगर आप ओनरशिप को जो है ख़त्म कर दो। ठीक, अपनी ओनरशिप को ही ख़त्म कर दें। ओनरशिप को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ओनरशिप को ख़त्म करने के लिए आप बेच देते हैं उस कंपनी को। ठीक, या भी जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उसको बेच देते हैं, उसके मैनेजमेंट को बेच देते हैं। तो ये क्या, एक तरीका है गवर्नमेंट कंपनीज को कन्वर्ट करने का प्राइवेट कंपनीज। ठीक, सरकारी कंपनियों को दो तरीकों से निजी कंपनियों में बदला जा सकता है। तो सरकारी कंपनियों को दो तरीकों से निजी कंपनियों में बदला जा सकता है। पहला क्या है, विनिवेश द्वारा। विनिवेश द्वारा मतलब आप कम पैसे दे, कम निवेश करते हैं उसमें। ठीक है, बहुत कम निवेश करने लगे तो वो कंपनियां जो है वो निजी कंपनियों में बदलने लगेंगी। वो सरकारी कंपनियां, अगर आप किसी कंपनी में निवेश कम कर दें तो वहां पे जो सरकारी कंपनी है वो ख़त्म हो जाएगी और निजी कंपनी वहां पे हावी हो जाएगी। ठीक, तो एक तो ये तरीका है सरकारी कंपनी को निजी कंपनी बनाने का कि विनिवेश करके, ठीक, निवेश को कम करके, विनिवेश मतलब निवेश को कम करके या निवेश को ख़त्म करके, सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो भी कंपनियां हैं उसके सरकारी स्वामित्व और प्रबंधन को वापस लेना। ठीक,
उसका जो सरकारी स्वामित्व है या जो भी सरकारी प्रबंधन है उसके उसको वापस लेकर आप जो है सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों में बदल सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन यानी कि कितने तरीके हैं प्राइवेटाइजेशन के, निजीकरण के रूप कितने हैं। तो सबसे पहले आता है डीनेशनलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक सेल। एक डीनेशनलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक सेल, तो ये पहला तरीका है, पहला फॉर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन है। अराष्ट्रीयकरण या रणनीतिक बिक्री, ठीक, अराष्ट्रीयकरण या रणनीतिक बिक्री, जहाँ पे क्या होता है, When 100% government ownership of productive asset is transferred to the private sector player, ठीक, जब पूरा 100% शेयर को बेच दिया जाए, ठीक, पूरी ओनरशिप को ही खत्म कर दिया जाए, जैसे कोई एयरपोर्ट है, ठीक, एयरपोर्ट का पूरा मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में था, पूरी ओनरशिप जो है गवर्नमेंट के पास थी, लेकिन उस एयरपोर्ट को बेच दिया गया, तो वहाँ पे आप गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं रह गया। तो जब आप 100% बेचते हैं उस शेयर को, जैसे बहुत से बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया गया, तो इसी को डी नेशनलाइजेशन कहते हैं। अगर पूरे 100% शेयर को बेचा जाए तो उसी को डी नेशनलाइजेशन या स्ट्रेटेजिक सेल कहा जाता है, ठीक। वन 100% गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव असेट, किसी भी प्रोडक्टिव असेट की जो 100% गवर्नमेंट ओनरशिप है इस ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर प्लेयर, वो जो है ट्रांसफर कर दी जा रही है किसके पास, प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर के पास, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियाँ हैं उनको दे दी जा रही है। तो इसीलिए इसको क्या टर्म दिया गया है, डी नेशनलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक सेल। अराष्ट्रीयकरण या रणनीतिक बिक्री क्या होती है, जब उत्पादक संपत्तियों का, जो भी उत्पादक संपत्तियां हैं सरकार की, उन संपत्तियों का अगर 100% सरकारी स्वामित्व निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को हस्तांतरित कर दिया गया, तो जो भी सरकारी स्वामित्व है वो निजी कंपनियों को दे दिया जाए, निजी कंपनियों को उसका स्वामित्व दे दिया जाए, अगर 100% दिया जा रहा है तो इसी को अराष्ट्रीयकरण या रणनीतिक बिक्री कहा जाता है, ठीक। अगर 100% जो सरकारी स्वामित्व है उसको बेच कर जो है किसी निजी कंपनी को दिया जा रहा है तो इसी को अराष्ट्रीयकरण या रणनीतिक बिक्री कहा जाता है। दूसरा क्या आता है, पार्शियल प्राइवेटाइजेशन और पार्शियल सेल। पार्शियल प्राइवेटाइजेशन और पार्शियल सेल, आंशिक निजीकरण या आंशिक बिक्री क्या होती है, आंशिक मतलब कि थोड़ा बहुत, ठीक, आंशिक मतलब थोड़ा बहुत, पार्शियल यानी कि कुछ हिस्सा, पूरी तरीके से नहीं, 100% नहीं, ठीक। तो पार्शियल प्राइवेटाइजेशन और पार्शियल सेल या आंशिक निजीकरण या आंशिक बिक्री क्या होती है, When private sector owns more than 50%, जब private sector को 50% से ऊपर जो है ownership दे दी जाए तो उसी को partial privatization या partial sale कहा जाता है। But less than 100, लेकिन वो 100 से less हो, मतलब कुछ ना कुछ ownership, कुछ ना कुछ percent ownership जो है वो government के हाथ में होती ही होती है, ठीक। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से बेच दिया जाता है, कुछ परसेंट शेयर बेचा जाता है, लेकिन वो शेयर जो है 50% से ऊपर होना चाहिए, 100% से कम होना चाहिए, तभी इसको पार्शियल प्राइवेटाइजेशन या पार्शियल सेल कहा जाता है। व्हेन प्राइवेट सेक्टर ओन्स मोर देन 50% बट लेस देन 100%, 50% से तो ऊपर होता है यानी कि आधे से ज्यादा ओनरशिप जो है वो प्राइवेट सेक्टर की होती है, लेकिन 100% नहीं होती है, कुछ ना कुछ ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास होती है। इन अ प्रीवियसली कंस्ट्रक्टेड पब्लिक सेक्टर, जो भी प्रीवियसली कंस्ट्रक्टेड पब्लिक सेक्टर है उसमें 50% ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को चली जाए, 50% से ज़्यादा ओनरशिप और 100% से कम, ठीक। तो इसको क्या कहा जाता है, तो जो भी शेयर ये ट्रांसफर किया जाता है उस प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट कंपनीज को, जो भी पब्लिक सेक्टर के जो शेयर हैं उसका 50% से ज़्यादा 100% से कम शेयर अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए तो इसी को पार्शियल प्राइवेटाइजेशन या पार्शियल सेल कहा जाता है, पार्शियल प्राइवेटाइजेशन या पार्शियल सेल का है। आंशिक निजीकरण या आंशिक बिक्री क्या होती है, जब निजी क्षेत्र शेयरों में हस्तांतरण के माध्यम से पहले से समझी जाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में, मतलब कि पहले से जो मौजूद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं अगर उसमें निजी क्षेत्र को
उसका शेयर जो है हस्तांतरित कर दिया जाए। कितना शेयर हस्तांतरित कर दिया जाए? 50% से ज्यादा लेकिन 100% से कम। ठीक, यानी कि कुछ ना कुछ स्वामित्व जो है वो सरकारी क्षेत्र का बचा रहता है उसमें। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से उसका स्वामित्व खत्म हो जाता है, कुछ ना कुछ स्वामित्व उसका बचा रहता है। इस तरह के प्राइवेटाइजेशन को, इस तरह के निजीकरण को आंशिक निजीकरण या आंशिक बिक्री कहा जाता है। इस तरह के निजीकरण को आंशिक निजीकरण या आंशिक बिक्री कहा जाता है। तो समझ में आ गया, 50% से ज्यादा होना चाहिए, 100% से कम होना चाहिए। यानी ये समझिए कि कुछ ना कुछ, पूरी तरीके से नहीं, कुछ ना कुछ जो है सरकारी जो भी सेक्टर है वो, सरकारी जो क्षेत्र है उसमें कुछ, उसका कुछ ना कुछ स्वामित्व होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ ओनरशिप होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है? डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन और टोकन प्राइवेटाइजेशन। अब ये डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन या टोकन प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? घाटे या निजीकरण या सांकेतिक निजीकरण क्या होता है? व्हेन द गवर्नमेंट डिस इन्वेस्ट इट्स शेयर कैपिटल टू एन एक्सटेंड ऑफ 5 to 10% टू मीट द डेफिसिट इन द बजट। जब सरकार बजट में घाटे को पूरा करने के लिए 5 से 10% की सीमा तक अपने शेयर पूंजी का विनिवेश करती है, अगर 5 से 10% का विनिवेश करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, क्यों करती है? क्योंकि घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा था इसलिए 10% या 5% शेयर बेच दिया गया। तो इसी को डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन या टोकन प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। ठीक, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 5 से 10%, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ओनरशिप है वो बहुत ज्यादा है, वो 50% से ज्यादा है। ठीक, लेकिन 100% से कम है। तो इसी को डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन या टोकन प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। जैसे LIC को कहा गया कि इसमें घाटा हो रहा है इसीलिए उसमें कुछ थोड़ा बहुत उसका शेयर बेच दिया गया। ठीक, ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो पब्लिक सेक्टर की होती हैं, उन कंपनियों को बेच दिया जाता है, उसके कुछ परसेंट शेयर को बेच दिया जाता है ये कहकर कि इसमें घाटा हो रहा है। तो अगर 5 से 10% जो है शेयर बेच दिया जाए ताकि जो भी घाटा हो रहा है उसको मैनेज किया जाए, इसी को कहा जाता है डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन और टोकन प्राइवेटाइजेशन। व्हेन द गवर्नमेंट डिस इन्वेस्ट इट्स शेयर कैपिटल टू एन एक्सटेंड ऑफ 5 to 10%, 5 से 10% अपना शेयर जो है उसमें वो डिस इन्वेस्ट करती है। ठीक, टू मेट द डेफिसिट इन द बजट, जो भी घाटा हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए, तो इसी को डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन या टोकन प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। घाटे का निजीकरण या सांकेतिक निजीकरण क्या होता है? जब सरकार बजट में घाटे को पूरा करने के लिए, यानी कि अगर किसी किसी क्षेत्र में घाटा हो रहा है और उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या कर रही है, अपने 5 से 10% की सीमा तक के शेयर को जो है उसमें विनिवेश करती है, यानी कि वो शेयर को बेच देती है, 5 से 10% शेयर को बेच देती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? घाटे का निजीकरण या सांकेतिक निजीकरण कहा जाता है। ठीक, इसी को घाटे का निजीकरण या सांकेतिक निजीकरण कहा जाता है। तो यहाँ तक निजीकरण हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्या है, निजीकरण के उद्देश्य क्या है। इम्प्रूव द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि मतलब गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक, जैसे घाटा हो रहा था तो घाटे होते वक्त हमने क्या किया, 10% बेच दिया, तो अब जो है जो भी घाटा हो रहा था वो बराबर हो गया, वो मेंटेन हो गया। तो यही है कि ताकि इम्प्रूव किया जाए जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है गवर्नमेंट की उसमें, सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना। तो निजीकरण का पहला उद्देश्य क्या होता है? सरकार की जो भी वित्तीय स्थिति है अगर वो खराब चल रही है तो उसमें सुधार लाना। जैसे घाटा हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसमें घाटे का जो निजीकरण है वो करते हैं। ठीक, डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन करते हैं। ठीक, 5 से 10% बेच देते हैं कि जो भी घाटा हो रहा है वो मैनेज हो जाएगा और कंपनी जो है वो लाइन पे आ जाएगी। तो जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन अगर खराब चलती है गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। जैसे मैंने बताया 1990 में जो है बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन थी, इसी वजह से प्राइवेटाइजेशन किया गया। इम्प्रूव द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकारी वित्तीय स्थिति का सुधार करना। दूसरा क्या है? रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं अगर उसमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, ठीक, और उसको मैनेज करना, यहाँ पे पैसे का मामला नहीं, मतलब वो कंपनी घाटे में नहीं है, ठीक, वो कंपनी सही चल रही है, लेकिन इतना लोड हो गया है कि वो लोड मैनेज नहीं हो पा रहा है पब्लिक सेक्टर कंपनीज की वजह से। तो उस लोड को कम करने के लिए उसको रिड्यूस किया जाता है।
उस लोड को कम करने के लिए इसको रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूस द वर्क लोड ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, उसको प्राइवेटाइज किया जाता है उस लोड को कम करने के लिए, ताकि मतलब जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज की जो लोड है, वर्क लोड है, उसको कम कर दिया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का कार्यभार कम करने के लिए, तो यहाँ पे घाटा नहीं हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, कंपनी फायदे में चल रही है, लेकिन इतना ज्यादा लोड हो जा रहा है, इतना कार्यभार हो जा रहा है कि वो जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है वो उसके जरिए संभाला नहीं जा रहा। ठीक, तो ये क्या करते हैं, निजी क्षेत्र को बेच देते हैं उसका कुछ हिस्सा, ठीक, ताकि वो संभाल सके। रेज फंड फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, ठीक, विनिवेश से धन जुटाएं, ठीक, दिस इन्वेस्टमेंट मतलब आप जो है कुछ परसेंट अगर शेयर बेचते हैं तो उससे आपको फंड मिल जाता है। ठीक, तो फंड रेज करने के लिए जो है प्राइवेटाइज किया जाता है, विनिवेश करने के लिए जो है निजीकरण किया जाता है, विनिवेश से धन जुटाने के लिए, विनिवेश से धन जुटाने के लिए निजीकरण किया जाता है। ठीक, विनिवेश से धन जुटाने के लिए निजीकरण किया जाता है या फंड रेज करने के लिए, दिस इन्वेस्टमेंट के जरिए फंड रेज करने के लिए प्राइवेटाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ताकि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। ठीक, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो है प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, सरकारी संगठनों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए। ठीक, क्योंकि आप प्राइवेटाइज करते हैं, कुछ परसेंट शेयर बेच देते हैं तो जो कार्य कुशलता है वो बढ़ जाती है। ठीक, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो है अच्छी तरीके से काम करती हैं तो उसकी कार्यकुशलता बढ़ जाती है। तो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी संगठनों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए, प्रोवाइड बेटर एंड इम्प्रूव गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर, ताकि कंज्यूमर को बेटर और इम्प्रूव गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज नहीं कर पा रही। तो प्राइवेटाइज करके क्या किया जाता है, जो भी कंज्यूमर है उनको अच्छे गुड्स और इम्प्रूव गुड्स जो है या सर्विसेज प्रोवाइड किए जाए। ठीक, उपभोक्ताओं को बेहतर और उन्नत वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए निजीकरण किया जाता है। तो उपभोक्ता को बेहतर सर्विस, ठीक, बेहतर सेवाएं या उन्नत वस्तुएं प्रदान करने के लिए, बेहतर वस्तुएं प्रदान करने के लिए निजीकरण किया जाता है। तो ये कुछ जो है ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य थे निजीकरण के या प्राइवेटाइजेशन के। अब हम लोग बढ़ते हैं लिबरलाइजेशन की तरफ। अच्छा, और भी ऑब्जेक्टिव है इसमें, देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन इसके बाद है। ठीक, लिबरलाइजेशन तो कर चुके हम लोग, ग्लोबलाइजेशन है तो और क्या है, क्रिएट हेल्दी कंपटीशन इन द सोसाइटी, ताकि हेल्दी कंपटीशन को क्रिएट किया जाए सोसाइटी। ठीक, सोसाइटी में कंपटीशन को क्रिएट किया जाए, समाज में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए। Encouraging foreign direct investment, ताकि मतलब foreign direct investment को इंडिया में encourage किया जाए, मतलब बाहर की कंपनी आकर यहाँ पे invest करें, उसको encourage करने के लिए privatize किया जाता है। ठीक, Encouraging foreign direct investment, FDI in India, ठीक, FDI को लेकर बहुत ज़्यादा बीच में बवाल चलता है। ठीक, अलग अलग गवर्नमेंट का अलग अलग उसमें अपना रुख होता है कि FDI होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक, FDI को प्रोत्साहित करना, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना, ठीक, उसको प्रोत्साहित करना, जिसको FDI कहा जाता है। तो जो भी बाहर की कंपनियां हैं वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। ठीक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, ठीक, उसको बढ़ावा दिया जा सके, उसको प्रोत्साहित करने के लिए निजीकरण किया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण होता है ये। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण होता है।
भूमंडलीयकरण यहाँ पे तो ट्रांसलेट किया है, लेकिन इसको वैश्वीकरण भी कहा जाता है। वैश्वीकरण इसका मेन वर्ड भी है। सो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इट मींस टू इंटीग्रेट द इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री विद ग्लोबल इकोनॉमी, ताकि मतलब किसी कंट्री की इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जोड़ा जा सके। ठीक, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब आप जो है अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जोड़ते हैं, तो इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। भूमंडलीकरण किसको कहते हैं, यानी कि वैश्वीकरण किसको कहते हैं? इसका अर्थ है एक देश देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ते जब आप हैं, तो उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स टू इंटीग्रेट द इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री विद ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक, वैश्वीकरण का अर्थ है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। डूरिंग ग्लोबलाइजेशन द मेन फोकस इज ऑन फॉरेन ट्रेड एंड प्राइवेट एंड इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे हम लोग ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं? ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे हम लोग ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं? फॉरेन ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करते हैं, या प्राइवेट या इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं? प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक, तो ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, प्राइवेट और इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। वैश्वीकरण के दौरान मुख्य ध्यान विदेशी व्यापार और निजी और संस्थागत विदेशी निवेश पर है। तो वैश्वीकरण के दौरान हमारा जो मुख्य ध्यान होता है वो किसकी तरफ होता है? विदेशी व्यापार की तरफ होता है, कि किस तरह से विदेशी व्यापार हमारे यहाँ पर काम करें और किस तरह से निजी और संस्थागत विदेशी निवेश जो है हमारे यहाँ पे आ सके, इन सब पे हम लोग फोकस करते हैं वैश्वीकरण के टाइम। इट इज द लास्ट पॉलिसी ऑफ एलपीजी टू बी इम्प्लीमेंटेड। ये एलपीजी की लास्ट पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये एलपीजी की सबसे लास्ट पॉलिसी है जो इम्प्लीमेंट की गई है। ये लागू होने वाली है एलपीजी की आखिरी नीति। ग्लोबलाइजेशन एज अ टर्म हैज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन। तो अगर ग्लोबलाइजेशन को एक टर्म के तौर पर देखा जाए तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन का पूरा एक टॉपिक है। तो अभी फिलहाल हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको। एक शब्द के रूप में वैश्वीकरण एक बहुत ही जटिल घटना है। तो वैश्वीकरण एक शब्द के रूप में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही जटिल घटना है। ठीक, तो इसमें सिर्फ आर्थिक ग्लोबलाइजेशन नहीं होता है, एक सिर्फ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, या आर्थिक वैश्वीकरण नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक करेंगे तो उसमें हम लोग वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कल्चर का भी होता है, लाइफ स्टाइल का भी होता है, बहुत सारी चीजें का होता है उसमें। ठीक है, द मेन एम इज टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल बाय सेटिंग वेरियस स्ट्रेटेजिक पॉलिसी। अब इसका मेन एम क्या होता है? ताकि वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म किया जाए किस तरफ? इंडिपेंडेंस की तरफ। ठीक, मतलब लोग इंडिपेंडेंस रहें एंड इंटीग्रेशन की तरफ, इंडिपेंडेंस के साथ साथ इंटीग्रेशन की तरफ, मतलब एक साथ जुड़ के काम करें ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल, एक होल के तौर पर, मतलब पूरा वर्ल्ड जो है एक ही एंटिटी के तौर पे काम करने लगे, उनमें इंटीग्रेशन हो, इंडिपेंडेंस हो। ठीक, बाय सेटिंग वेरियस स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसीज बनाकर ये सारे ये ग्लोबलाइजेशन किया जाता है। ठीक, बहुत सारी पॉलिसीज बनाकर ग्लोबलाइजेशन किया जाता है। मुख्य उद्देश्य विभिन्न रणनीतिक नीतियों को निर्धारित करके। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मुख्य एम क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ताकि मतलब जो भी अलग अलग रणनीतिक नीतियां बनाकर, ठीक है, दुनिया को समग्र रूप से स्वतंत्र और एकीकरण की दिशा में बदलना। तो दुनिया को किस दिशा में बदलना है? एकीकरण के रूप में, स्वतंत्र रूप में बदलना। ठीक, समग्र रूप से मतलब एक साथ जोड़कर एक ही वस्तु के तौर पर, मतलब ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री पूरी कंट्री पूरे वर्ल्ड को एक साथ लेके चलना, उसी को समग्र रूप से कहते हैं। ठीक, सो ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न रणनीतिक नीतियों को निर्धारित करके दुनिया को समग्र रूप से स्वतंत्र और एकीकरण की दिशा में बदलना।
ग्लोबलाइजेशन इज अटेम्प्टिंग टू क्रिएट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, यूक्रेन क्या है, ये एक अटेम्प्ट है एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाने, मतलब कोई बॉर्डर नहीं होगा, क्योंकि बॉर्डर के आर पार भी क्या हो रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने लगा है। तो ये बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाने की कोशिश है, ग्लोबलाइजेशन के जरिए बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाने की एक कोशिश है। वैश्वीकरण एक सीमाहीन दुनिया बनाने का प्रयास है। ठीक, तो वैश्वीकरण क्या है, एक सीमाहीन दुनिया बनाने का प्रयास है, जहाँ पे कोई भी सीमा नहीं है, कहीं पे कोई भी जाके ट्रेड कर सकता है, कोई भी जाके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक, तो ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण जो है वो एक सीमाहीन दुनिया बनाने का एक प्रयास है। ठीक, वेर इन जहाँ पे क्या होता है, द नीड ऑफ वन कंट्री कैन बी ड्रिवन फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड टर्निंग इनटू वन लार्ज इकोनॉमी। अगर एक कंट्री की कोई नीड है तो उस नीड को वो पूरे वर्ल्ड से, पूरे ग्लोब से, कहीं से भी पूरा कर सकती है और एक लार्ज इकोनॉमी में अपने आप को टर्न कर सकती है, अपने एक लार्ज इकोनॉमी में अपने आप को बदल सकती है। मतलब किसी भी कंट्री की जो नीड है, तो ज़रूरी नहीं कि वो अपने कंट्री के ही प्रोडक्शन से ही वो नीड पूरी करे, बल्कि ग्लोब में जहाँ पर भी, पूरे वर्ल्ड में जहाँ से भी उसकी नीड पूरी हो रही है, वहाँ से वो अपनी नीड को पूरी कर सके और अपनी इकोनॉमी को जो है वर्ल्ड लेवल पर बढ़ा सके। वैश्वीकरण क्या है, एक सीमाहीन दुनिया बनाने का प्रयास है जिसमें एक देश की जरूरतों को पूरी दुनिया से हटाकर एक बड़ी अर्थव्यवस्था में तब्दील किया जा सकता है। मतलब एक देश की जो भी जरूरत है उसको पूरी दुनिया से पूरा कर किया जा सकता है, या एक देश की जरूरत को ना देखते हुए आप पूरे वर्ल्ड को एक अर्थव्यवस्था में बदलने का प्रयास, पूरे वर्ल्ड को एक अर्थव्यवस्था बना दिया, इसका प्रयास करता है कौन, वैश्वीकरण। नया एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ तक हम लोग एलपीजी कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है नियो लिबरलिज्म। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नियो लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म क्या है, नियो लिबरलिज्म इज कंटेम्प्ररी यूज टू रिफर टू मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म पॉलिसीज। तो ये क्या है, मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म पॉलिसीज है, यानी कि मार्केट में जो भी चीज़ें हैं उसको रिफॉर्म करने की, मार्केट के जो भी पॉलिसीज हैं उसको रिफॉर्म करने का एक तरीका है नियो लिबरलिज्म। सच एज एलिमिनेटिंग प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल को कम करना। ठीक, एलिमिनेटिंग मतलब कम करना, घटाना। ठीक, प्राइस कंट्रोल को, क्योंकि लिबरलाइजेशन में क्या होता था, प्राइस को तो कंट्रोल किया जाता है कि आप इस प्रोडक्ट की इससे ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकते। ठीक, तो नियो लिबरलिज्म में क्या हो रहा है, प्राइस कंट्रोल को कम किया जा रहा है, एलिमिनेटिंग प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल को कम करना, डीरेगुलेटिंग कैपिटल मार्केट, और जो भी कैपिटल मार्केट है उसको डीरेगुलेट करना, मतलब जो रेगुलेशन था गवर्नमेंट के हाथ में उसको डीरेगुलेट करना, अब गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं, वो रेगुलेट नहीं कर सकता, तो कैपिटल मार्केट को डीरेगुलेट करना, लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स, और जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं उसको कम करना। ठीक, इसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह खुले। तो लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स, मतलब जो भी ट्रेड बैरियर्स थे, ट्रेड्स के जो प्रतिबंध थे, उन सबको कम करना। ठीक, एंड रिड्यूसिंग स्पेशली थ्रू प्राइवेटाइजेशन एंड ऑस्ट्रिक्टिटी स्टेट इन्फ्लुएंस इन द इकोनॉमी। ठीक, तो जो भी प्राइवेटाइजेशन के जरिए क्या करना है, कम करना है किस चीज़ को, जो भी स्टेट का इन्फ्लुएंस है इकोनॉमी पे, जो स्टेट का इन्फ्लुएंस है उसको रिड्यूस करना। तो ये सारी चीजें किसका काम था, नियो लिबरलिज्म। तो नियो लिबरलिज्म एक अटेम्प्ट है क्या करने के लिए, मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म पॉलिसीज करने के लिए। ठीक, ताकि एलिमिनेट किया जाए प्राइस कंट्रोल को, डीरेगुलेट किया जाए कैपिटल मार्केट को, और ट्रेड बैरियर को कम किया जाए, और जो स्टेट का इन्फ्लुएंस है इकोनॉमी पे उसको कम किया जाए प्राइवेटाइजेशन के जरिए या ऑस्ट्रेलिटी के जरिए। नव उदारवाद क्या कहता है, नव उदारवाद का उपयोग समकालीन रूप से, तो नव उदारवाद का उपयोग समकालीन रूप से किस लिए किया गया था, बाजारोन्मुखी सुधार नीतियों को संदर्भित करने के लिए, यानी कि बाजार से रिलेटेड जो भी नीतियां थी उसमें सुधार लाने के लिए नव उदारवाद का उपयोग किया गया। ठीक, अब इसमें क्या सुधार होता है कि जैसे कि मूल नियंत्रण को समाप्त करना, मूल नियंत्रण को समाप्त करना, यानी कि किसी वस्तु का क्या मूल होगा ये अब स्टेट यानी कि गवर्नमेंट तय नहीं करेगी, बल्कि जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो तय करेगा। ठीक,
मोल नियंत्रण को समाप्त करना, आप उसमें नियंत्रण नहीं रख सकते कि किसकी प्राइस कितनी होगी, पूंजी बाजार को विनियमित करना, और जो भी पूंजी बाजार है उसको विनियमित करना। अब उसमें कोई भी नियम नहीं लगेगा बल्कि वो विनियमित तरीके से चलेगा। व्यापार बाधाओं को कम करना और जो भी व्यापार में बाधाएं हैं उसको कम करना, और विशेष रूप से निजीकरण और मितव्यता के माध्यम से, तो निजीकरण के जरिए या मितव्यता के माध्यम से क्या करना है, अर्थव्यवस्था में राज के प्रभाव को कम करना। ठीक, अब अर्थव्यवस्था में जो भी राज का प्रभाव है उसको कम से कम करना, ये नव उदारवाद का कॉन्सेप्ट है। ठीक, नव उदारवाद इसी चीज पर फोकस करता है कि अर्थव्यवस्था में कम से कम जो है राज का प्रभाव किया जाए। नियो लिबरलिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद द लीडरशिप ऑफ मार्गरेट थैचर। तो नियो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो किन से शुरू होता है, मार्गरेट थैचर की तरफ से शुरू होता है। ठीक, ये इन्होंने ही पहले इसकी शुरुआत की थी, और इन्हीं की लीडरशिप के जरिए ये न्यू लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एसोसिएट होता है, मतलब इन्हीं से एसोसिएटेड है वो। तो ये मार्गरेट थैचर कौन थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, फ्रॉम 1979 टू 1990। ठीक, तो 1979 से 1990 तक यूके के प्राइम मिनिस्टर थे मार्गरेट थैचर। ठीक, एंड लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी, और ये कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे 1975 से 1990 तक। 1975 से 1990 तक लीडर थे कंजर्वेटिव पार्टी के, और 1979 से 1990 तक यूके के प्राइम मिनिस्टर, इन्हीं से एसोसिएट किया जाता है नियो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट। एंड रोनाल्ड रीगन, और रोनाल्ड रीगन से भी एसोसिएट किया जाता है, जो 40th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस फ्रॉम 1981 टू 1989। तो ये 40वें प्रेसिडेंट थे यूएस के, कब से कब तक, 1941 से 1900 1941 में 1981 से 1989 तक। नव उदारवाद अक्सर 1979 से 1990 तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और 1975 से 1990 तक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता, तो ये कौन थे, मार्गरेट थैचर से जोड़ा जाता है नव उदारवाद का कॉन्सेप्ट जो है। ठीक, नव उदारवाद अक्सर जो है इन्हीं से जोड़ा जाता है, मार्गरेट थैचर और अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से जोड़ा जाता है, उन्हीं के नेतृत्व से ये जोड़ा जाता है नव उदारवाद का कॉन्सेप्ट। क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि इन्होंने इसको बढ़ावा दिया। नव उदारवाद अक्सर 1979 से 1990 तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और 1975 से 1990 तक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता, तो ये मार्गरेट थैचर जो थी वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1979 से 1990 तक, 1975 से 1990 तक ये कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, और 1981 से 1989 तक अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से भी नव उदारवाद का कॉन्सेप्ट जो है वो जोड़ा जाता है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, नव उदारवाद की आलोचना क्या है, या न्यू लिबरलिज्म की का क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक ये देखते हैं हम लोग। सो देयर आर मेनी क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू लिबरलिज्म। तो न्यू लिबरलिज्म से रिलेटेड बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, बहुत ज्यादा इसकी आलोचना की गई थी, इंक्लूडिंग इट्स पोटेंशियल डेंजर टू डेमोक्रेसी। ठीक, इसको माना गया है कि ये जो है डेमोक्रेसी के लिए पोटेंशियल डेंजर, इसकी इसके पास ऐसी पोटेंशियल है ये डेमोक्रेसी के लिए डेंजर क्रिएट कर सकता है। पोटेंशियल डेंजर टू डेमोक्रेसी, वर्कर्स वर्कर्स के लिए ये डेंजर है, वर्कर्स के राइट के लिए ये डेंजर है। ठीक, एंड सॉवरेन नेशन के लिए ये डेंजर है, राइट्स टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए ये डेंजर है। ठीक, एंड सेवरल एंड सॉवरेन नेशंस राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक इन सारी चीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो पहला क्रिटिसिज्म क्या है न्यू लिबरलिज्म का, कि ये पोटेंशियल, इसके पास पोटेंशियल है डेंजर क्रिएट करने के लिए, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, वर्कर्स के राइट के लिए, सॉवरेन नेशन राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक, आलोचना क्या की गई इसकी नव उदारवाद की, नव उदारवाद की कई आलोचनाएं हैं जिसमें लोकतंत्र के लिए इसके संभावित खतरे हैं। ठीक, तो
तो नवविरारवाद की कई आलोचनाएं हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, लोकतंत्र के लिए इसमें इसमें बहुत सारे संभावित खतरे हैं, जैसे कि श्रमिकों में अधिकार और संप्रभु राष्ट्र के आत्मनिर्णय के अधिकार शामिल, इन सब के लिए ये खतरा है। तो पहले लोकतंत्र के लिए खतरा है, ठीक, श्रमिकों के अधिकार के लिए खतरा है, और संप्रभु राष्ट्र की जो आत्मनिर्णय की अधिकार है उसके लिए ये खतरा है। इट इज ऑल्सो बीन एक्यूज्ड ऑफ गिविंग कॉरपोरेशन टू मच पावर, ये भी मतलब इस पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये कॉरपोरेशन को बहुत ज़्यादा पावर दिया जा रहा है, इसके जरिए जो है न्यू लिबरलिज्म के जरिए कॉरपोरेशन को बहुत ज़्यादा पावर दिया जा रहा है। जैसे अगर आप प्राइस कंट्रोल कम कर देते हैं तो उनकी मर्जी है, वो कितना ज़्यादा उनके पास पावर है, वो एक वस्तु की एक चीज़ की कितनी पावर कितना ज़्यादा प्राइस बढ़ा देंगे ये उनके ऊपर है, ठीक, तो अपनी मनमर्जी चलाने लगेंगे, इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा। तो ये भी उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है न्यू लिबरलिज्म पे कि ये जो है कॉरपोरेशन को बहुत ज़्यादा पावर देता है, एंड वर्सनिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और इस वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बहुत ख़राब करता है, ठीक, उसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ता है। इट्स ऑल्सो एक्यूज ऑफ गिविंग कॉरपोरेशन टू मच पावर, ये कॉरपोरेशन को बहुत ज़्यादा पावर दे देता है, एंड वर्सनिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है, ठीक, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा बिगाड़ता है, ठीक। ये निगमों को बहुत अधिक शक्ति देने और आर्थिक असमानताओं को बिगाड़ने का भी आरोप लगाया जाता है। तो इस पर जो है ये आरोप लगाया जाता है कि ये जो निगम है उसको बहुत अधिक शक्ति देता है, ठीक, क्योंकि अब आप अगर मूल पे कोई नियंत्रण नहीं रहता है सरकारों का, तो इनकी मर्जी है कि ये कितना ज़्यादा बढ़ाएंगे प्राइस को, कितना ज़्यादा मूल को, किसी वस्तु के मूल को कितना ज़्यादा बढ़ाएंगे और कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, ये इनकी मर्जी होती है, ठीक, और इसी वजह से जो है आर्थिक असमानता समाज में फैलती है, ठीक, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया है नव उदारवाद को, मतलब उसको उसकी आलोचना की गई। तो उदारवाद तो होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रतिबंधन भी नहीं लगाना चाहिए कि मतलब कोई काम भी ना कर पाए, लेकिन इतना भी छूट नहीं दी जानी चाहिए कि मतलब उनकी मर्जी चलने लगे, जो वो चाहें वो करने लगे, जैसा वो वर्कर को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा के जो है इनइक्वलिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो कर सकें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक, थोड़ा सा कंट्रोल तो होना चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ में थोड़ा सा कंट्रोल तो होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लेजिस्फेयर, हस्तक्षेप। लेजिस्फेयर मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए इकोनॉमी में, इसी को कहते हैं लेजिस्फेयर, गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो इकोनॉमी में, उसी को लेजिस्फेयर कहा जाता है। तो लेजिस्फेयर इज एन इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ फ्री मार्केट, तो ये क्या है, एक इकोनॉमिक फिलॉसफी है किसकी, फ्री मार्केट, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म दैट अपोजेस गवर्नमेंटल इंटरवेंशन, तो ये फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की एक इकोनॉमिक फिलॉसफी है जो क्या करती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के खिलाफ है, ठीक, ये गवर्नमेंट ये मतलब इस चीज़ पे फोकस करती है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म में नहीं होना चाहिए, मार्केट कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। लेजिस्फेयर मुक्त बाजार, ठीक, मुक्त बाजार पूंजीवाद का एक आर्थिक दर्शन है, ठीक, तो मुक्त बाजार क्या है, पूंजीवाद का एक आर्थिक दर्शन है, ठीक, जो सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करता है, जो क्या करता है, सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करता है, ये कहता है कि बाजार में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक, मुक्त बाजार में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इसी को हस्तक्षेप कहा जाता है, ठीक, हस्तक्षेप मतलब कोई भी हस्तक्षेप होना चाहिए, अहस्तक्षेप मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक, जहाँ पे आ लगता है उसका मतलब नहीं होता है, ठीक। तो लेजिस्फेयर क्या है, मुक्त बाजार पूंजीवाद का एक आर्थिक दर्शन है जो सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करता है, ठीक, जो क्या करता है, सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करता है, मतलब मुक्त बाजार में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जॉन स्टॉट मिल क्या कहते हैं लेजिस्फेयर के बारे में, इन हिज प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इनकी बुक है, डेवलप दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने ही डेवलप किया था, जॉन स्टॉट मिल ने
ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, कहाँ पे किया था, इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो पब्लिश हुई थी 1848 में। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिस्फेयर किसने डेवलप किया था, जॉन स्टॉर्ट मिल ने किया था अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो पब्लिश हुई थी 1848 में। जॉन स्टॉर्ट मिल ने अपने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, ये बुक का नाम है, बुक अगर ट्रांसलेट करके दी जा रही है तो ये बुक का नाम रहेगा, नहीं तो यही बुक का हिंदी में भी नाम रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी या राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत जो प्रकाशित हुई थी 1848 में, इसी में उन्होंने ये अवधारणा दी थी इसका लेजिस्फेयर। ठीक, लेजिस्फेयर की अवधारणा इसमें ही दी गई। द लेजिस्फेयर थ्योरी मेनली एडवोकेट्स गवर्नमेंट नॉन इंटरवेंशन। तो लेजिस्फेयर थ्योरी क्या करती है, ज्यादातर जो है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को रोकती है और ये कहती है कि गवर्नमेंट का नॉन इंटरवेंशन होना चाहिए, इस चीज को ये एडवोकेट करती है, इसी चीज की वो वकालत करती है। मतलब बाजार मार्केट कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, फ्री तरीके से मार्केट काम करना चाहिए। ठीक, हस्तक्षेप सिद्धांत मुख्य रूप से सरकार के गैर हस्तक्षेप की वकालत करता है। तो हस्तक्षेप सिद्धांत क्या करता है, सरकार के गैर हस्तक्षेप की वकालत करता है। ये कहता है कि सरकार का हस्तक्षेप जो है वो मुक्त बाजार पर नहीं होना चाहिए, बाजारें बहुत फ्री तरीके से मतलब स्वतंत्र तरीके से काम करना चाहिए, इसमें कोई भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक थ्योरिस्ट एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ क्या करते हैं, इन्होंने भी लेजिस्फेयर के बारे में बात किया है, तो अगर ऑप्शन में आता है तो आप इनके मतलब अगर जो है जॉन स्टॉर्ट मिल नहीं है तो आप जो है एडम स्मिथ के साथ भी जा सकते हैं। इकोनॉमिक थ्योरिस्ट एडम स्मिथ क्या कहते हैं, बिलीव दैट द ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ मार्केट नीडेड मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब अगर मार्केट सही तरीके से काम करे, ये अगर कोई चाहता है ऑप्टिमल फंक्शनिंग हो अगर मार्केट की, ये अगर आप चाहते हैं तो मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए, कम से कम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मार्केट में होना चाहिए, ये एडम स्मिथ का मानना था। तो इकोनॉमिक थ्योरिस्ट एडम स्मिथ बिलीव दैट द ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ मार्केट नीडेड मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब कम से कम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए मार्केट में। आर्थिक सिद्धांतकार एडम स्मिथ का क्या मानना था कि बाजारों के इष्टतम कामकाज के लिए, मतलब अच्छे तरीके से कामकाज करें बाजार, इसके लिए चाहिए कि न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। मतलब कि बाजार अगर सही तरीके से काम करे, ये अगर कोई चाहता है तो वहां पे उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि सरकार का हस्तक्षेप जो है वो न्यूनतम है, कम से कम है। ठीक, ये भी लेजिस्फेयर को सपोर्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सार्क। ठीक, सार्क हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। ठीक, तो सार्क क्या है, सार्क का फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक, इसी को सार्क कहा गया है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको सार्क कहा जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी, वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 दिसंबर 1985। तो ये 8 दिसंबर 1985 को जो है इसकी स्थापना की गई थी सार्क की। ठीक, इसका फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, तो ये डेट याद रखिएगा आप। अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं, द सेक्रेटरिएट ऑफ द एसोसिएशन वॉज सेटअप इन काठमांडू। और इसकी जो सेक्रेटरिएट है वो कहाँ पे सेटअप की गई थी, काठमांडू में सेटअप की गई थी, जो कहाँ पे है, नेपाल में। और ये कब किया गया था, 17 जनवरी 1987 में। ठीक, एसोसिएशन का सचिवालय कहाँ पे बना था, 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में बना था, जो नेपाल में है। ये जगह काठमांडू जगह जो है वो कहाँ पे है, नेपाल में है। ठीक, और ये 17 जनवरी 1987 में वहाँ पे सचिवालय बनाया गया। तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क बना था, उसका सेक्रेटरिएट जो है 17 जनवरी 1987 को काठमांडू नेपाल में बनाया गया। ठीक, तो जो भी सार्क है, जो एसोसिएशन है, वो
उसका सचिवालय 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में मनाया गया था, स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्या है, सार्क हैज 8 मेंबर कंट्रीज। सार्क में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 8 है। सार्क में 8 मेंबर कंट्रीज हैं जो मिलाकर सार्क बनते हैं। सार्क जो है वो उसमें 8 मेंबर कंट्रीज का एसोसिएशन है, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये सारे 8 देश जो है वो सार्क में आते हैं। सार्क में 8 सदस्य देश हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। ये 8 देश आप याद रखिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 देश जो है सार्क में आते हैं। और ये सब साउथ एशिया के हैं, इसीलिए साउथ एशियन कहा जाता है इसको, साउथ एशियन एसोसिएशन कहा जाता है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एसोसिएशन आर, एसोसिएशन के उद्देश्य क्या थे? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ताकि जो है जो साउथ एशिया के लोग हैं उनके वेलफेयर को प्रमोट किया जाए और उनकी क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव किया जाए। दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, तो दक्षिण एशिया के जो कल्याण के लिए काम करना और उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए ये एसोसिएशन बनाया गया। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, सोशल प्रोग्रेस को बढ़ावा देने के लिए एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन, और साउथ एशिया में कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए उसको एक्सेलरेट करने के लिए ये सार्क एसोसिएशन बनाया गया। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन, ठीक, क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए सार्क का एसोसिएशन बनाया गया। क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? टू प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी, सारे इंडिविजुअल को, जो साउथ एशिया के जितने इंडिविजुअल हैं सबको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि वो अपने डिग्निटी में जी सकें एंड टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, और अपनी पूरी पोटेंशियल को रियलाइज कर सकें, मतलब वो किस चीज़ के काबिल हैं, कितना चीज़ें वो कर सकते हैं, अपनी पोटेंशियल को पहचान सकें। सभी व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने और उनकी क्षमता का एहसास कराने का अवसर प्रदान करना। तो सार क्या करता है? सभी व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है और उनकी क्षमता का एहसास दिलाता है, ठीक, कि उनकी कितनी क्षमता है, ठीक, उसका एहसास दिलाता है। तो ये भी सार्क एसोसिएशन का एक उद्देश्य था। नेक्स्ट क्या है? सार्क ऑल्सो एम्स टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक, तो सार क्या करता है? दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के साथ अपनी कोऑपरेशन को मजबूत करता है एंड टू कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेट करने के लिए ये बढ़ावा देता है विद सिमिलर एम एंड पर्पज, सेम एम और पर्पज के लिए, ये सारे एम जो ऊपर बताए गए उन सारे एम के लिए ये सार्क काम करता है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन सबके साथ कोऑपरेशन के साथ ये सारे एम को पूरा करने का इसका एम होता है सार्क का, ठीक। सार्क का लक्ष्य क्या होता है? अन्य विकासशील जो देश हैं उसके साथ सहयोग को मजबूत करना और समान उद्देश्य और उद्देश्यों वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना भी, और जो भी ऐसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन है या क्षेत्रीय संगठन है वो अगर ऐसा समान उद्देश्य रखते हैं तो उनके साथ सहयोग करना, ठीक। अगर ऐसे कोई संगठन है जो समान उद्देश्य के साथ काम करते हैं तो उनके साथ सार्क जो है वो सहयोग करता है। मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के मॉडल क्या है? तो सबसे पहले आता है लेविस स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल, ठीक, तो लेविस स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल आता है, लुइस संरचनात्मक परिवर्तन मॉडल आता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डुअल सेक्टर मॉडल, इसको डुअल सेक्टर मॉडल भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे डुअल सेक्टर मॉडल भी कहा जाता है,
दिस मॉडल हैज टू सेक्टर। क्यों डुअल सेक्टर मॉडल कहा जाता है? क्योंकि इसमें दो सेक्टर हैं। ठीक, इस मॉडल में दो क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? पहला है ट्रेडिशनल सेक्टर, परंपरा क्षेत्र। ठीक, पहला है ट्रेडिशनल क्षेत्र यानी कि परंपरा क्षेत्र। इट हैज सरप्लस ऑफ लेबर फॉर दैट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक, इसमें सरप्लस ऑफ लेबर है, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। तो ट्रेडिशनल सेक्टर में कौन सा सेक्टर आ जाता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर आ जाता है। परंपरा क्षेत्र कौन सा आता है? इसमें कृषि क्षेत्र आ जाता है। ठीक, इसमें श्रम का अधिशेष होता है। ठीक, श्रम का अधिशेष मतलब कि काम करने वाले ज्यादा होते हैं, काम कम होता है, इसी को परंपरा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, मॉडल सेक्टर आधुनिक क्षेत्र क्या है? मॉडल सेक्टर फोकसेस ऑन द ट्रांसफर ऑफ सरप्लस लेबर टू द मॉडर्न सेक्टर फॉर दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो मॉडर्न सेक्टर क्या कहता है, करता है, जो भी सरप्लस लेबर है यानी कि जो एग्रीकल्चर करने के लिए जितने लेबर की जरूरत थी उतना वहाँ छोड़ दिया जाता है, बाकी जो सरप्लस लेबर है उनको मॉडर्न सेक्टर के लिए ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। ठीक, तो जो सरप्लस लेबर है उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बेचा जाता है मॉडर्न सेक्टर में। आधुनिक क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र के लिए आधुनिक क्षेत्र में अधिशेष श्रम के स्थानांतरण पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आधुनिक क्षेत्र में क्या किया जाता है, जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके लिए जो भी अधिशेष श्रम है उनको स्थानांतरित किया जाता है। ठीक, यानी कि कृषि क्षेत्र के लिए जितने श्रम की जरूरत थी उतना रखा जाता है, बाकी जो अधिशेष श्रम है उनको जो है औद्योगिक क्षेत्र के लिए स्थानांतरित किया जाता है। ठीक, ये डुअल सेक्टर मॉडल है जो लुइस ने दिया था। ठीक, उसके बाद रोसो मॉडल द फाइव स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो रोसो द फाइव स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत डीप में नहीं पूछता है, बस खाली स्टेजेस पूछता है इसमें, इसलिए मैंने सिर्फ स्टेजेस मेंशन किया है, आप कुछ पढ़ लीजिएगा अगर कहीं से पढ़ना होगा आपको तो। ठीक, अगर उसमें भी नहीं समझ में आएगा तो आप क्लास में आकर पूछ सकते हैं। रोसो का मॉडल क्या है, आर्थिक विकास के पाँच चरण कौन कौन से हैं? द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट डब्ल्यू डब्ल्यू रोसो डेवलप दिस थ्योरी बाई सेइंग दैट नेशन पास थ्रू फाइव स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट। तो रोसो क्या कहते हैं कि कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री जो है ये पांच स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही पास होती है। ठीक, किसी भी कंट्री अगर डेवलप स्टेज तक पहुँच चुकी है तो उसने ये पाँच स्टेजेस फॉलो किए होंगे। ठीक, अमरीकी अर्थशास्त्री डब्ल्यू डब्ल्यू रोसो ने इस सिद्धांत को ये कहते हुए विकसित किया है कि राष्ट्र आर्थिक विकास के पांच चरणों से गुजरता है। ठीक, आर्थिक विकास के पांच चरणों से गुजरता है, मतलब अगर कोई देश है विकास देश है, विकसित देश है, तो वो इन पांच चरणों से गुजरा होगा। ठीक, उसके आर्थिक विकास के लिए उसको इन पांच चरणों से गुजरना होगा, कोई भी देश है, ये रोसो कहते हैं। अब ये पांच चरण कौन कौन से हैं? तो पहला आता है द ट्रेडिशनल सोसाइटी। सबसे पहले वो क्या होती है? ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, पारंपरिक समाज होता है वो। ठीक, ट्रेडिशनल सोसाइटी, वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह होते हैं, पारंपरिक समाज होता है। दूसरा प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। दूसरा क्या है? प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, पूर्व शर्त है फॉर टेक ऑफ के लिए, पूर्व शर्त। ठीक, तीसरा क्या है? टेक ऑफ। ठीक, चौथा है द ड्राइव टू मैच्योरिटी, परिपक्वता के लिए ड्राइव। ठीक, ड्राइव टू मैच्योरिटी, परिपक्वता के लिए ड्राइव। द एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। ठीक, अब ऐसा एज आता है जहाँ पे हाई मास कंजप्शन होता है, ये लास्ट स्टेज होता है डेवलपमेंट का, आर्थिक डेवलपमेंट का, ये मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये लास्ट स्टेज होता है, आर्थिक विकास का ये आखिरी चरण होता है, उच्च जन उपभोग की आय। ठीक, द एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, उच्च जन उपभोग की आय। तो ये पाँच स्टेजेस आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, क्रोनोलॉजी भी पूछी गई है इसकी। ठीक, चेनरीज पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। चेनरीज अलोंग विद हिज कलीग्स एग्जामिन पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर कंट्रीज एट डिफरेंट पर कैपिटा इनकम लेवल। ठीक, तो इन्होंने जो है डेवलपमेंट के पैटर्न को स्टडी किया है चेनरी ने, अपने कुछ कलीग्स के साथ, अपने कुछ साथियों के साथ। ठीक, चेनरी के विकास का पैटर्न, चेनरी ने अपने सहयोगियों के साथ, अपने साथियों के साथ इन्होंने क्या किया है, विभिन्न प्रति व्यक्ति आय स्तरों पर देश के विकास के पैटर्न की जांच की। ठीक, तो देश के विकास के पैटर्न की जांच इन्होंने की है, किस लेवल पर, किस स्तर पर, विभिन्न प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर।
शिफ्ट फ्रॉम, अब ये किस क्या बताते हैं, शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो शिफ्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कृषि से औद्योगिक उत्पादन में परिवर्तन होता है। कृषि से औद्योगिक उत्पादन में परिवर्तन होता है। तो यहाँ तक हम लोग इकोनॉमिक मॉडल थ्योरी जो थी, इकोनॉमिक थ्योरी जो थी वो हम लोगों ने किया है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जो कि है पॉवर्टी। बस यही पॉवर्टी करके हम लोग लीड करेंगे क्लास। पॉवर्टी यानी कि गरीब। पॉवर्टी इज अबाउट नॉट हैविंग इनफ मनी टू मीट बेसिक नीड इंक्लूडिंग फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर। पॉवर्टी मतलब कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी बेसिक नीड को पूरा कर पाए, उसी को पॉवर्टी कहा जाता है। बेसिक नीड आपकी क्या हो सकती है, फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप रोटी कपड़ा और मकान खरीद सकें तो आप पॉवर्टी ना हो। हाउएवर पॉवर्टी इज मोर, मच मोर देन जस्ट नॉट हैविंग इनफ मनी। जबकि ये भी माना जाता है कि पॉवर्टी भी इससे भी ज़्यादा है, मतलब ये तो है कि पैसा ना होना, इससे भी ज़्यादा मतलब पॉवर्टी का मीनिंग निकलता है। क्योंकि पॉवर्टी दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। गरीबी का अर्थ भोजन वस्त्र और आवास सहित बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन न होना है। तो गरीबी का अर्थ क्या होता है कि आपकी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त जो है धन नहीं है। अब ये पर्याप्त जो बेसिक जरूरतें हैं यानी कि बुनियादी जरूरतें आपकी कौन सी हैं, भोजन वस्त्र और आवास, रोटी कपड़ा और मकान। हालांकि गरीबी कहीं अधिक, तो मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर ये जरूरतें पूरी कर रहे हैं तो आप गरीबी में नहीं आते हैं, गरीबी उससे अधिक चीज़ है, पर्याप्त धन ना होने से कहीं अधिक। अब इसमें इन एडिशन टू अ लैक ऑफ मनी, मतलब एक कम पैसा होने के साथ साथ पॉवर्टी इज अबाउट नॉट बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। मतलब जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप गरीबी में आते हैं। जैसे आपके पास रोटी कपड़ा और मकान है, फूड शेल्टर और जो है क्लॉथ है, लेकिन आप जो है सिनेमा हॉल में जाके मूवी नहीं देख सकते, ठीक, या कोई भी ऐसा फंक्शन हो रहा है जिसमें आप शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जहाँ पे पैसा लग रहा है, तो ये भी आपकी गरीबी में आता है। पैसे की कमी के अलावा गरीबी मनोरंजक गतिविधियाँ, जो भी मनोरंजक गतिविधियाँ हैं अगर उसमें आप शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो भी आप गरीब माने जाएंगे। अगर उसमें शामिल होने के सक्षम नहीं है, होने के लिए आप सक्षम नहीं है तो भी आप गरीब माने जाएंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है इसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी, संपूर्ण गरीबी। इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एनी पर्सन नॉट इन अ पोजीशन टू ऑब्टेन एसेंशियल कम्युनिटीज लाइक फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग। जो बेसिक चीज है अगर वो पाने के लिए कोई भी पर्सन जो है इस काबिल नहीं है कि अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके, उसको क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाता है। आर सेड टू एक्सपीरियंस एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इनकम लेवल इज कंसिडर्ड इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसमें इनकम लेवल कंसिडर किया जाता है, किसकी इनकम कितनी है, ठीक, क्योंकि अगर एक आदमी की इनकम लेवल इतनी है कि वो अपने जो है फूड शेल्टर और क्लॉथिंग को ही नहीं पूरा कर पा रहा है तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आए, ठीक। कोई भी व्यक्ति जो भोजन आश्रय और वस्त्र जैसी आवश्यकताओं को, आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, तो संपूर्ण गरीबी में कौन है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी जो बुनियादी जरूरतें, जो भी आवश्यक जरूरतें हैं उसको अगर पूरा नहीं कर पा रहा है, जैसे कि भोजन है, आश्रय है और वस्त्र है, अगर इसी को ही वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो संपूर्ण गरीबी में आ जाता है, ठीक, वो पूर्ण गरीबी का अनुभव करता है। पूर्ण गरीबी में आय स्तर पर विचार किया जाता है। आय स्तर पर विचार क्यों किया जाता है, क्योंकि आपकी आय इतनी होनी चाहिए कि आप रोटी कपड़ा मकान खरीद सकें। आय स्तर मतलब आपका आय स्तर इतना है कि नहीं है कि आप रोटी कपड़ा मकान खरीद पा रहे हैं, ठीक। तो ये हर कंट्री तय करती है कि इतना अगर है तो वो एब्सोल्यूट गरीबी में है। रिलेटिव पॉवर्टी, तुलनात्मक गरीबी क्या होती है, जब आप किसी दूसरे से तुलना करते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी डज नॉट कंसंट्रेट ऑन बायोलॉजिकल नीड, तो रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो बायोलॉजिकल नीड पे कंसंट्रेट नहीं करती है, बट रादर मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल इन एनवायरनमेंट, दो लोगों के बीच कंपैरिजन क्रिएट करती है। जैसे अगर एक के पास साइकिल है, दूसरे के पास बाइक है, तो बाइक वाले के रिलेशन में साइकिल वाला गरीब है, ठीक,
अब वही बाइक वाला जो है कार वाले के रिलेशन में गरीब हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल गरीबी नहीं होती है बल्कि रिलेटिव पॉवर्टी होती है। आप किसके रिलेशन में देख रहे हैं, जैसे आप मतलब अगर कोई आम आदमी है कि उसके पास कार है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो अंबानी अडानी के रिलेशन में देखेगा तो वो गरीब है, ठीक। लेकिन वैसे तो आप उसको गरीब नहीं कहेंगे ना, सारी फैसिलिटीज उसकी पूरी हो रही है, लेकिन वो रिलेशन में गरीब है। तो ये इसी को रिलेटिव पॉवर्टी कहा जाता है, जब आप किसी दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। जैसे मेरे पास मोबाइल है, कौन सा मोबाइल है, आईफोन नहीं है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। मेरे पास अगर आईफोन नहीं है, ठीक, और किसी के पास आईफोन है, तो आईफोन वाले के मुकाबले में मैं क्या हूँ, गरीब। इसी को रिलेटिव पॉवर्टी कहा जाता है, तुलनात्मक गरीबी इसी को कहा जाता है, जब आप किसी से तुलना करते हैं। तुलना मतलब आप जब कंपेयर करते हैं, किसी से तुलना करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर आप जो है किसी के पास साइकिल है और किसी के पास बाइक है, तो बाइक वाले के तुलना में अगर देखा जाए तो साइकिल वाला गरीब है, लेकिन वही बाइक वाला अगर कार वाले की तुलना में देखा जाए तो बाइक वाला गरीब हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल गरीबी तो है नहीं, मतलब रोटी कपड़ा मकान तो उसका पूरा हो रहा है, लेकिन उसकी तुलना में अगर किसी के घर में एसी लगा हुआ है, किसी के घर में फैन लगा हुआ है, तो फैन जिसके घर में लगा है वो जो है एसी वाले घर की तुलना में वो गरीब है, ठीक। तो यहाँ पे आप तुलना कर रहे हैं दूसरे से, अगर आप तुलना करते हैं तो यही है तुलनात्मक गरीबी, ठीक। इट इज नॉट कंसीडर व्हेन मेजरिंग रिलेटिव पॉवर्टी एज अ पर्सन विल स्टिल बी कंसीडर पुअर डिस्पाइट मीटिंग हिज और हर बेसिक नीड। अगर वो अपनी बेसिक नीड पूरी कर पा रहा है तब भी अगर आप रिलेटिव पॉवर्टी देखेंगे तो वो गरीब है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि किसी के पास बंगला है, कार है, ठीक, और मतलब सारी चीजें, सारी फैसिलिटी उसके पास है, लेकिन अगर उससे ऊपर कोई चीज है अडानी अंबानी के, या मतलब जो भी वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो गरीब है, ठीक। हालांकि वो अपनी बेसिक नीड को पूरा कर पा रहे हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं कि अगर कोई बेसिक नीड पूरा कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है। अगर रिलेशन में देखा जाए, रिलेटिव पॉवर्टी के हिसाब से देखा जाए तो वो गरीब है। तो रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो एक्चुअल पॉवर्टी नहीं होती, ठीक। इट इज नॉट कंसीडर व्हेन मेजरिंग रिलेटिव पॉवर्टी एज अ पर्सन विल स्टिल बी कंसीडर पुअर डिस्पाइट मीटिंग हिज और हर बेसिक नीड। अपनी बेसिक नीड पूरा करने के अलावा भी वो गरीब माना जा सकता है, अगर आप रिलेशन में देखेंगे, दूसरे के रिलेशन में देखेंगे। सापेक्ष गरीबी को मापते समय इस बात पर विचार, यानी कि तुलनात्मक गरीबी को मापते समय इस बात पर विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बावजूद भी गरीब माना जाए। तो एक व्यक्ति अगर अपनी बुनियादी जरूरतें पूरा कर पा रहा है तब भी अगर आप दूसरे से तुलना करते हैं तो वो गरीब माना जाए। पीटर टॉमसन इन्वेंटेड द रिलेटिव डिप्रेवेशन थ्योरी। तो इन्होंने, पीटर टॉमसन ने जो है रिलेटिव डिप्रेवेशन थ्योरी दी थी पॉवर्टी की, विच प्लेस, इन्होंने ही रिलेटिव पॉवर्टी की बात की है, विच प्लेस द डेफिनेशन एंड मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी ऑन एन इंटरनेशनल साइंटिफिक बेसिस। तो इंटरनेशनल साइंटिफिक बेसिस पर इन्होंने ही डेफिनेशन दिया है पॉवर्टी की, दैट इज पॉवर्टी इज डिफाइंड एज। तो इन्होंने पॉवर्टी को कैसे डिफाइन किया है, पॉवर्टी इज डिफाइंड एज दोज पीपल हुज रिसोर्सेज आर सो सीरियसली बिलो दोज कमांडेड बाई द एवरेज इंडिविजुअल और फैमिली दैट दे आर। तो गरीबी क्या है, हुज रिसोर्सेज, जिसके रिसोर्सेज जो है वो सीरियसली बिलो दोज कमांडेड, मतलब उन लोगों से कम है जिनके पास जो है एक एवरेज इंडिविजुअल या फैमिली के पास जितने रिसोर्सेज हैं उससे कम हो। इन इफेक्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑर्डिनरी लिविंग पैटर्न, जो एक ऑर्डिनरी लिविंग पैटर्न है, कस्टम है, एक्टिविटीज है, उनसे अगर कम है तो इसी को रिलेटिव पॉवर्टी, इसी को पॉवर्टी के तौर पे इन्होंने डिफाइन किया। पीटर टॉमसन ने गरीबी के सापेक्ष अभाव सिद्धांत का आविष्कार किया है, जिससे गरीबी की परिभाषा और माप को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक आधार पर रखा गया है। यानी गरीबी को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जा गया है जिनके संसाधन औसत व्यक्ति या परिवार द्वारा दिए गए संसाधनों से इतने गंभीर रूप से नीचे हैं कि वो वास्तव में है। मतलब कि जो एक संसाधन चाहिए एक जीवन यापन करने के लिए, एक समान जीवन
पद्धति में जो भी संसाधन की जरूरत है अगर वो संसाधन नहीं है तो इसी को पीटर टॉमसन ने गरीबी कहा। रीति रिवाजों और गतिविधियों को बाहर रखा गया है, ठीक है, समान जीवन पद्धति रीति रिवाजों और गतिविधियों से बाहर रखा गया, मतलब अगर वो ये सब चीजें नहीं कर पा रहा है तो वो गरीबी में आता है। नेक्स्ट आता है कल्चर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की संस्कृति। ये ऑस्कर लेविस ने कॉन्सेप्ट दिया था इसका, ऑस्कर लेविस ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक, ये कई बार भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। तो ऑस्कर लेविस वाज द एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु फर्स्ट यूज द टर्म कल्चर ऑफ पॉवर्टी, इन्होंने ही पहली बार कल्चर ऑफ पॉवर्टी का टर्म यूज किया है, टू अजर द थ्योरी दैट पीपल बॉर्न इन टू पॉवर्टी बिकम एडॉप्टेड टू द पुअर माइंड। अब इसका क्या मतलब है, एक आदमी जो गरीबी में पैदा होता है वो अपना माइंड ही बना लेता है गरीबी की तरह, ठीक, मतलब उसको गरीब रहना है और गरीबी की तरह ही जिंदगी गुजारना है, उसी तरह का उसका माइंडसेट बन जाता है, इसी को उन्होंने कल्चर ऑफ पॉवर्टी कहा, ठीक। ऑस्कर लेविस मानव विज्ञानी थे जिन्होंने पहली बार गरीबी की संस्कृति शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक, इस सिद्धांत पर जोर देने के लिए किया गया था कि गरीबी में पैदा हुए लोग गरीब मानसिकता के अनुकूल हो जाते हैं, मतलब गरीब मानसिकता उनकी हो जाती है, उनकी मानसिकता ही गरीब बन जाती है, वो अमीर बनना ही नहीं चाहते बल्कि गरीबों की तरह ही जीवन यापन करना चाहते हैं, ठीक। जैसे आपने सुना होगा बहुत से लोगों हम गरीब हैं गरीब ही रहेंगे, ये सब क्या है, एक तरह से आपकी मानसिकता ही बन गई है गरीब रहने, ठीक। और ये मानसिकता जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही होती रहती है, पीढ़ी से पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। इस थ्योरी वॉज दैट दोज माइंडसेट कॉज पीपल इन पॉवर्टी टू कंटिन्यू इन पॉवर्टी, इस माइंडसेट की वजह से जो लोग पॉवर्टी में रहते हैं वो पॉवर्टी में ही रह जाते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता ही नहीं अमीर बननी चाहिए, एंड पास इट डाउन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और ये पास होता रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन गरीब है तो उनकी कई जनरेशन गरीब होती है, ठीक। तो ये माइंडसेट की वजह से होता है, इसी का नाम दिया है ऑस्कर लेविस ने कल्चर ऑफ पॉवर्टी। His theory was that those mindset cause people in poverty to continue in poverty and pass it down generation after generation. उनका सिद्धांत था कि ये मानसिकताएं गरीबी में रहने वाले लोगों को गरीबी में ही रहने और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने का कारण बनती है, ठीक, मतलब ये गरीबी जो है उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है, वो गरीबी में ही रह जाते हैं, ठीक। ऐसी मानसिकता की वजह से जो गरीब हैं वो गरीब ही रह जाते हैं और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी रह जाती है, इसी को नाम दिया है ऑस्कर लेविस ने कल्चर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की संस्कृति। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, पॉवर्टी लाइन की बात किसने किया था ये पढ़ना है। वन ऑफ द अर्लिएस्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी वॉज डन बाई दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब में अपनी बुक में पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक का नाम था, उसी में इन्होंने पॉवर्टी लाइन की बात की है। हालांकि इन्होंने पॉवर्टी लाइन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था, गरीबी का सबसे पहला अनुमान दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लगाया, ठीक। तो इसका अनुमान उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये भी आप बुक का नाम भी याद रख सकते हैं क्योंकि बुक भी पूछ सकता है कि किसकी बुक है, तो दादाभाई नौरोजी He formulated a poverty line ranging from rupees 16 to 35. मतलब अगर किसी के पास 16 रुपए से 35 रुपए तक है तो वो गरीबी लाइन से ऊपर है, ठीक। ये गरीबी की लाइन एक बताया था इन्होंने, लेकिन ये कब का था, पर कैपिटा पर ईयर बेस्ड ऑन 1867 टू 68 प्राइस, ठीक, 1867 से 68 की प्राइस के हिसाब से इन्होंने भी बताया। उन्होंने 1867 और 68 की कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति की प्रति वर्ष अगर आय 16 रुपए से लेकर 35 रुपए तक है तो वो गरीबी रेखा तैयार की है, मतलब ये 16 रुपए से 35 रुपए तक की गरीबी रेखा इन्होंने तैयार की थी 1867 से 68 की कीमतों के आधार पर, इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने ही पहली बार पॉवर्टी लाइन की यानी कि गरीबी रेखा की बात की। थैंक यू वेरी मच, और भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप लोग, एनी क्वेश्चन।
ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।